किस्मत में लिखा वो होना ही था। एक दूसरे से दूर चले जाओ, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चले जाओ। राज जो ना खुल सका है रास्ता, धुआं धुआं क्या है राज। शायद यार मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चले जाए। सबदा भाई, अभी तक आपकी सफाई खत्म नहीं हुई, तुम क्या कर रही हो शायदा? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी सारा मसाला जल जाता। सॉरी भाभी, मीठा भी बनाना। अभी कितना काम रह गया तुम्हारा? मैंने सारा खाना बना लिया, बस मीठा ही रह गया भाभी। चलो जल्दी से चीजें निकालो। वैसे बभी आ कौन रहा है? शहरयार अपनी दोस्त को लेकर आ रहा है। लो तो मैं समझी कोई खास आ रहा है, शहरयार भाई के दोस्त तो आते जाते रहते हैं। तुमने मेरी बात शायद ठीक से सुनी नहीं। शहरयार का दोस्त नहीं, शहरयार की दोस्त। और आज से पहले वो कभी किसी लड़की को घर नहीं लेकर आया, समझी तुम? ओ अच्छा भाभी, वैसे आप कितनी अच्छी है ना, कोई भी भाभी अपनी होने वाली देवरानी का इस तरह इस्तकबाल तो नहीं करेगी। शहरयार मेरा देवर नहीं, मेरा भाई है, या यूं कहो तो मेरा बेटा भी वही है। अब जल्दी से हाथ चलाओ, काम खत्म करो। सादिया, शहरयार, ये कोई टाइम है आने का? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आई थिंक आई एम ऑन टाइम, तुम शायद थोड़ा जल्दी आ गई। शहरयार, तुम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। अब आ गया हूँ ना, हम क्या यहाँ झगड़ा करने आए? नहीं। अच्छा मुझे बताओ क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा है, सरप्राइजेस मुझे देते नहीं हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। यार एक्चुअली मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर है मुझ पर, चाहते हैं कि बस मैं अब शादी कर लूँ। तो मैंने सोचा कि किसी से जो शादी करनी है तुमसे क्यों ना कर लूँ। सीरियसली? यस। यू आर सो मीन। अरे तुम्ही तो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है, तो? हाँ कहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करने लग गए। पसंद करने में और मोहब्बत करने में फर्क होता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मोहब्बत? शायद वो भी हो जाए। आई मीन यू नेवर नो। Anyway, मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाने ले जाना चाहता हूँ। चलो। क्यों नहीं? अच्छा काला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
भाभी आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये खीर भिजवाई है अम्मी ने स्पेशली शहरयार के लिए, उसे पसंद है ना? ये तो अच्छा हो गया, मीठे में रख देंगे ना अम्मी। क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ, शहरयार अपनी दोस्त को लेकर आ रहा है हमसे मिलवाने के लिए। मुझे तो लगता है वो उसे पसंद करता है। बस अब शहरयार की शादी हो जाए जल्दी से। फायजा तुम ठीक हो ना? सो सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे हाथ से स्लिप हो गया वो। कोई बात नहीं, लेकिन बेटा दूध का गिरना नहुसत होती है। खाला वो। मामा ये सब तो तोहमात होती हैं। आप चले ना लाउंज में बैठे, चलो फायजा। शायदा क्या हुआ सादिया? कुछ नहीं। Are you getting nervous? मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने का कहा है, एकदम से तुम वो। शरियार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इफ यू डोंट माइंड हम किसी और दिन तुम्हारी फैमिली से मिल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। देखो मेरी प्यारी सी भाभी ने बहुत सी तैयारी कर रखी है, मिलने के लिए बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, और तुम भी तो कब से मेरी फैमिली से मिलने के लिए बेकरार थे, अब क्या हुआ? मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ शरयार, मुझे ना एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है, और ना अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुना तुमने, ये हंसी की आवाज? ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसा तो नहीं मैं किसी पागल लड़की से शादी करने लगा? मैं मजाक नहीं कर रही शहरयार। मैं भी मजाक नहीं कर रहा यार, लेट्स गेट मैरिड ना, शादी करते हैं। भाभी इंतजार कर रही हैं, लेट्स गो। लेट्स गो। शुरू। लेट्स गो। कोई नहीं है, लेट्स गो। है पागल लड़की है? पागल लग रही हूं मैं आपको? अभी पागल लग रही हूं मैं आपको? पागल तो मैं तब होगी जब शहरयार किसी और लड़की से शादी कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। आप अभी भी कह रही है कि वो मुझसे शादी करेगा, सब ठीक हो जाएगा? मेरी हालत देख रही हैं आप? वहां शहरयार अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर ला रहे सबसे मिलवाने, आपको लग रहा है कि अभी भी उससे मेरी शादी हो जाएगी? हाँ? ये क्या कह रही हो तुम? अरे रुबीना आपा ने तो मुझे जुबान दी हुई है, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? रुबीना आपा की जुबान, जो उस घर में कोई उनकी सुनता भी है? रुबीना आपा वहां तो सब सना भाभी करते रहते हैं, ऐसा माहौल बनाया हुआ था जैसे आज ही उसका निकाह करवा देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाती हूँ पीर बाबा के पास। हाँ, कोई तो जरूरत नहीं है उस डोंगी के पास जाने की, नहीं सारी जमा पूंजी उस पाखंडी पर खर्च कर दिए, कोई फायदा नहीं हुआ, वहीं के वहीं बैठे। अरे मुझे पूरा यकीन है पीर बाबा पे,
उनके अमाल की ही वजह से शहरयार की आज तक शादी नहीं हुई। जितने भी रिश्ते आए सब खत्म हो गए, और देख लेना ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। बस मैं अभी जाती हूँ, तो फिक्र न करो, इन सब की अकल ठिकाने आ जाएगी, देख लेना, और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। जब मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ सुर्ख रंग ऐसे ही फैला था जैसे जैसे खून फैला हो। आप कब आए? जब से तुम ख्यालों में खोई थी। ऐसे क्या सोच रही थी तुम? कुछ नहीं, आप बताएं आपका ऑफिस का दिन कैसा गुजरा? कैसा गुजरना है? अपनी बेगम साहिबा के ख्यालों में गुजरती हमारी तो सुबह शाम। आप ही ना छोड़े, कोई आ जाएगा। अरे आ जाएगा तो क्या हुआ, यही कहेगा ना कि इतने साल हो गए शादी को लेकिन हमारी मोहब्बत अभी भी जवान है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती। अरे चाय भी पी लूंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा वो लाडला देवर नजर नहीं आ रहा, कहाँ पे है वो? आते ही होगा, टाइम देखे। मेरी घड़ी बंद है, सेल खत्म हो गए होंगे। क्लॉक भी बंद है। मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ, मेरा फोन स्टक है। मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है। अच्छा मैं जरा फ्रेश हो गया था। ये गाड़ी इतनी दूर क्यों पार्क कर दी तुमने? यार यहाँ पे पार्किंग नहीं थी इसलिए। तुम मंगवा लो ना, मुझसे नहीं चला जाएगा। ड्राइवर मैं सो ये हैव टू गो। शरयार तुम देख रहे हो कितनी ट्रैफिक है? मैं हूँ ना। अरे भाभी आप क्यों आ गई, मैं आ जाता अभी। मुझे लगा तुम्हें जूस चाहिए होगा तो मैं ले आई। मेरे दिल में जो भी होता है आपको कैसे पता चल जाता? यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट भाभी इन दिस वर्ल्ड। क्या बात, आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं कुछ नहीं। आप जानती हैं ना मुझसे छुपा नहीं सकती। बताएं क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? शहरयार तुम शादी कर लो।
शादी। आप जानती हैं ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? सादिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी आप पूछ रही हैं क्यों? शहरयार, वो एक हादसा था और हादसा जिंदगी का हिस्सा हुआ करते हैं। सादिया की मौत ऐसी लिखी भी थी। तुम इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। चलिए, अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ, सादिया के बाद जब भी आपने मेरे रिश्ते की बात की, या तो उस लड़की ने खुद इनकार कर दिया या उसके साथ कुछ ना कुछ हो गया। शहरयार, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। सच्चाई से नजरें चुराने से हकीकत नहीं बदली जा सकती। शहरयार, प्लीज मेरे लिए एक बार आज आने वाले मेहमानों से मिलो। अम्मी बताई थी खानदान भी बहुत अच्छा है और लड़की भी बहुत प्यारी। आप लोग क्यों उस बेचारी की जान के दुश्मन बने हुए? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाइयों से ज्यादा प्यार किया। मैं इस घर को वारिस तो नहीं दे सकी, लेकिन मुझे इस बात का कभी दुख भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बेटों की तरह प्यार किया। क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो मेरी बात मान जाओ ना। मान ली, लेकिन ये लास्ट टाइम। और जूस? फ्रेश हो जाऊं उसके बाद। राशिद, गाड़ी स्टार्ट करो, हमें निकलना है। जी सलाम अलैकुम, मैं रुबीना वाजिद अली बोल रही हूँ। वालेकुम सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कब तक निकल रहे हैं घर से? रिदा और उसकी अम्मी तैयार हो रही हैं, 10-15 मिनट में निकल रहे हैं हम इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा, वो लोग 15 मिनट तक निकल रहे हैं। चाय के सारे लवाजमात तैयार हैं ना? जी मामा, सब रेडी। अल्लाह करे कि ये रिश्ता बस हो जाए। आमीन। अल्लाह करे वो खैर से यहाँ तक पहुँच जाए। बाकी सब तो बात की बात है, पहले जैसा कोई हादसा ना हो जाए। या अल्लाह मदद फरमा। बेटा अब खड़े क्यों हो? गाड़ी में बैठो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। आज मैं बहुत खुश हूं, लोग भी बहुत अच्छे हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है। हाँ ये तो है, मैंने सुना है इस लड़के के पहले भी 2-3 रिश्ते टूट चुके हैं। क्या बात कर रही हो बेगम, हो सकता है कोई और वजह हो, क्योंकि लड़के के घर वालों का मैंने पता करवाया है, वो बहुत ही बाइज्जत और अमीर लोग हैं और लड़का भी बहुत शरीफ और खुश शक्ल है। मैंने जो सुना है वो ही बता रही हूँ। रीता बेटा, आप कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। अरे आपने मिठाई तो ली नहीं? ओह अच्छा, याद करवाया, रास्ते में मिठाई की दुकान है, वहीं से ले लेते हैं।
रिदा बेटा आप बैठो, हम लोग मिठाई लेके आते हैं। जी जल्दी आइएगा। जी राशिद तुम भी चलो। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? रिदा, रिदा कहाँ गई? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? हाय, मेरी बच्ची कहाँ चली गई है? रिदा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। उधर देखते हैं। इधर ये तो मेरी रिदा का है। मेरी रिदा कहाँ चली गई? मेरी बेटी कहाँ चली गई? आप खड़े क्यों हैं? पुलिस को फोन करें, जल्दी करें। मेरी बच्ची, मेरा दिल ऐसे परेशान था, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बच्ची को ढूंढने जल्दी करें रीता। काफी देर कर दी उन लोगों ने, आपकी बात ही उनसे? हाँ की तो थी। लड़की के घर वालों से मैंने बात की, कहने लगे कि हम बस 15 मिनट में निकल रहे हैं। उनका घर तो 10 मिनट के फासले पे आ जाना चाहिए उनको। यही तो मैं सोच रही हूँ, अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? आते ही होंगे ना वो लोग। ले, फोन आ गया। हाँ हेलो। जी जी आप लोग अभी तक नहीं पहुंचे? आ तो हम आपकी तरफ ही रहे थे, लेकिन अचानक से रिदा लापता हो गई है। हम बहुत परेशान हैं, उसका पता नहीं वो कहाँ है। क्या, कैसे? पता नहीं मेरी बच्ची को जमीन खा गई है या आसमान निकल गया। क्या हुआ? वो लोग नहीं आ रहे। क्यों? मैंने आप लोगों से कहा था ना, मैंने कहा था ना कि मैंने शादी करनी ही नहीं है, फिर क्यों बार बार मुझे मजबूर करते हैं आप लोग? मैं आपको साफ साफ बता, आज के बाद इस घर में मुझे कोई मजबूर नहीं करेगा शादी के लिए। नहीं करनी मुझे शादी। सुनो तो, तुम यहां, तुम रो क्यों रही हो? मेरा क्या कसूर था शरिया? तुमने मुझे क्यों मरने दिया? क्यों मरने दिया तुमने मुझे?
मेरा क्या कसूर था शरयार? तुमने मुझे क्यों मरने दिया? क्यों मरने दिया तुमने मुझे? मेरा क्या कसूर? क्या हो गया अम्मा? इतना अच्छा ड्रामा लगा हुआ था। अरे तुझे इस मुझे ड्रामे की पड़ी हुई है? मैं तेरे लिए इतनी अच्छी खबर लेकर आई हूँ कि तू उस पर सुनती रह जाएगी। क्या खबर है? अरे वो लोग जो शहरियार का रिश्ता लेने आ रहे थे, उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या? अरे ये वही लड़की है जिससे शहरयार की शादी होने वाली थी। तो मैं क्या करूं? या अल्लाह, जहां शहरयार का कोई रिश्ता आता है तो तुम्हें बेचैनी शुरू हो जाती है, और अब ये रिश्ता खत्म हो गया है तो खुश हो जाओ। मैं क्यों खुश हूं? अगर शहरयार की उस लड़की से शादी नहीं हो रही तो कौन सा उसकी मुझसे शादी हो रही है? हो जाएगी, हो जाएगी। कब होगी? कब हो जाएगी? कब से आप यही कह रही हैं? बकौल आपके, ये सब कुछ आपके वो पीर बाबा कर रहे हैं ना? तो वो शहरयार के दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते क्या? मुझे उस घर की बहू बनना है। इस घर के छोटे छोटे कमरों से दुनिया की हर खुशी चाहिए मुझे, और मैं उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सब मेरी बेटी का हक है, उसी को मिलेगा। बस तू शहरयार को लुभाने की कोशिश कर, अगर वो मान गया ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। पर अम्मा कैसे? वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अब ये भी मुझे तुझे समझाना पड़ेगा। अरे कुछ ऐसा कर कि वो एक बार तुझे देखे ना, अपनी नजर ना हटा सके, समझी? हक हक हक। हाँ बीबी बोलो। पीर साहब, मैं जहाँ अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ वहाँ हो नहीं रही। मेरी बहन तो मान गई है, लेकिन उसकी बहू नहीं मान रही। मान जाएगी, वो भी मान जाएगी। कैसे मान जाएंगे पीर साहब? मैंने तो हर जतन कर लिया, वो लड़का और उसकी भाभी वो तो मेरी बेटी को पसंद ही नहीं करते। तो अपनी बहन को मना। मेरी बहन तो मान जाएगी, लेकिन लेकिन वो सुतेली है ना, लेकिन वो लड़का सिर्फ अपनी भाभी की ही बात मानता है। तो उसे रास्ते से हटा देते हैं, हो जाएगा। ये ले तावीज और उस लड़के को घोल के पिला दे, तेरा काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया पीर साहब। नजराना और सदका। हाँ हाँ पीर साहब, ये पीर साहब। हक हक, जा जा हक। बैठो बीबी बैठो। शाह साहब, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई। मेरे देवर की शादी नहीं हो रही,
आपको कैसे पता? हम सब जानते हैं बीबी, जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा उसने उसे भी मार डाला। वो शायद शायदा वो एक्सीडेंट नहीं था, कत्ल था। कत्ल। हम क्या करें शासन? मेरे देवर की शादी होना बहुत जरूरी है, वो हमारे खानदान की आखिरी उम्मीद है जो वारिस दे सकेगी। ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है बीबी, वही राजिक, वही मालिक, वही खा। जहां भी तुम्हारे देवर का जिक्र होगा ये साया वहां मौजूद रहेगा। साया? क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? हाँ है, तुम्हारे देवर की शादी जल्द अज जल्द होनी चाहिए, बल्कि इसी महीने में होनी चाहिए, वरना वो तुम्हारे देवर की शादी कभी नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी। कौन है वो? ये तो हम नहीं जानते बीबी, मगर इतना जरूर जानते हैं कि तुम्हारे देवर की शादी जिस लड़की से होगी उसकी जान को खतरा होगा। उस लड़की में कोई और खूबी हो ना हो, लेकिन एक खूबी होनी चाहिए कि वो बहादुर हो, निडर हो। कौन है? क्या हो गया? अरे 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 आरजू बेटा, क्या हुआ? शाह साहब, इतनी जल्दी में लड़की कहां से मिलेगी? और वैसे भी जिस लड़की से शहरयार का रिश्ता होता है उसके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है, कहां से ढूंढूंगी मैं रिश्ता? हर किसी की किस्मत में कोई ना कोई है बीबी, तुम अल्लाह पे छोड़ दो, लेकिन वो मावराई मखलूक इतनी आसानी से तुम्हारे देवर की शादी नहीं होने देगी, इसमें उसकी जान को खतरा है। जान को खतरा? एक ताबीज तुम्हें दूंगा बेटा, अपने देवर के गले में डाल देना, वो महफूज रहेगा। और भी लड़की? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो आएगी जरूर, क्योंकि जोड़े आसमानों पे बनते हैं बीबी। बड़ी अजीब किस्मत है उस लड़की की, उसे एक बदरू से लड़ना होगा। मौलवी साहब, सारा पिंड तंग आ गया ताड़ी भतीजी दी हरकतां तो।
रोज किसी ना किसी चीज तो डर जाती है, अज मेरा भी नुकसान कर गई है। मेरा साइकिल तोड़ता धक्का मार के। मौलवी साहब तुहाडी इज्जत का ख्याल ना होंदा ते तो क्या करते? आरजू बेटा गलती तुम्हारी है, माफी मांगो। लेकिन बाबा मैं कह रहा हूँ ना, माफी मांगो इनसे। मुझसे गलती हुई है, माफ करते। लेकिन बाबा वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, उससे डर के भाग रही थी तो बस टकरा गई। अब तो बच्ची ने माफी मांग ली है, इसलिए आप चाहें तो जा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शाह साहब, शहरयार को तो कोई खतरा नहीं होगा ना? खतरा तो तुम सबकी जानों को है। मैं अल्लाह की हजूर दरख्वास्त करूंगा, वजीफा करूंगा, तब तक तुम सब घरवाले नमाज की पाबंदी रखना। ये तावीज अपने देवर के गले में डाल देना, ये उसे महफूज रखेगा। हाँ, मगरिब से पहले पहले। जी ठीक है शाह साहब। अब तुम जाओ। अस्तग़फिरुल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहु अकबर। लेकिन वो मावराई मखलूक इतनी आसानी से तुम्हारे देवर की शादी नहीं होने देगी, इसमें उसकी जान को खतरा है। खतरा तो तुम सबकी जानों को है। ये तावीज अपने देवर के गले में डाल देना, ये उसे महफूज रखेगा। मैं पूछ रहा हूं, ले आई तावीज? भाभी 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 ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? क्या सोच रहे होंगे सब? सोचने दो जिसने जो सोचना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? यार तुम्हारे इस क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। शहरयार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तो आप सोच लो ना। नहीं,
शहरयार। जी भाभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। भाभी आप क्यों ऊपर चली हैं? आपको तो रेस्ट करना चाहिए। मुझे तुम्हें तावीज बांधना है और आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। ओके बॉस। तावीज वो नीचे रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप खुद को ना थकाएं, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं शहरयार, मैं लाती हूँ, आप लोग इधर ही रुको। किन चक्रों में पड़ गई हैं? शहरयार ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ और जो मैं कह रही हूँ वो करो। काफी देर लगा दी फायजा ने, मगरिब का वक्त भी हो रहा है। क्या हुआ फायजा? वो वहां। वहां क्या? वहां बिल्ली थी। फायजा तुम इतनी बड़ी होकर बिल्ली से डरती हो? हाँ लगता है मुझे बिल्ली से डर तो। लेकिन बिल्ली कमरे में आई कहां से? मुझे नहीं पता भाभी, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूं यहां से। भाभी आप तकियों में क्या ढूंढ रही हैं? वो तावीज जो यहां रखा था। आज का दिन भी निकल गया, मगरिब हो गई, तावीज आज भी नहीं बांध सकी। अल्लाह खैर करे। भाभी आप ठीक है ना? आर यू ओके? क्या क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, चलो नीचे। लेकिन आपने वो तावीज का कहा था मुझे। अब तो मगरिब हो गई, कल बांधूंगी। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। I think you should go now. आपकी मामा आपको ढूंढ रही होंगी। अरे हट जा, हट यहां से।
तेरी तावीजों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। खाला ये आप किस तरह बात कर रही हैं भाभी से? शहरिया कोनी को परेशान से पता कर, एम्बुलेंस का पता कर कितनी देर में। शहरिया तुम कॉल तो करो। हेलो शहरिया बेटा, बेटा फायजा कैसी है? हम अस्पताल आ रहे हैं। खाला फायजा ठीक है, आप परेशान ना हो। अब बेटा डॉक्टर ने क्या बताया, वो कैसी है? मामा मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मामूली चोटें हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं। मामूली चोटें? अरे बेटा मेरी बेची बेहोश हो गई और डॉक्टर कह रहा कुछ नहीं हुआ। खाला प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाभी आपके साथ हैं? नहीं बेटा, हमने उसे बहुत कहा कि हम नहीं जाते लेकिन वो मानी ही नहीं। मामा आप भाभी को यूं अकेला घर छोड़ आई हैं? अरे वो ठीक है, बच्ची तो नहीं है ना। खाला आप तो रहने ही देना, रोहिल भाई घर पे नहीं है और शायदा की मौत के बाद भाभी की जो हालत है उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए। खैर आप लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं तो मैं घर चला जाता हूँ भाभी के पास। अरे नहीं बेटा नहीं, अगर हॉस्पिटल में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे? तुम कॉल कर लो, ठीक ही होगी, हम अभी थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। आपको लगी तो नहीं? पहले चोट लगाते हैं और फिर पूछते हैं लगी तो नहीं। अल्लाह, दिल तो मेरी जान ही लेगा। अगर आपको साइकिल चलानी आती नहीं तो फिर रोड पे लाने का मकसद, मेरा मतलब है जाहिर है फिर एक्सीडेंट ही होगा ना, और कसूर बेचारे गाड़ी वाले पर। अच्छा तो आपका मतलब ये कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें सारी गलती मेरी है? अच्छा चले आप नाराज ना हो, मैं आपका सारा नुकसान भर देता हूँ, बल्कि अगर आप कहती हैं तो आपको घर छोड़ देता हूँ, आपकी साइकिल भी ठीक करवा देता हूँ। अरे वाह, ना जान ना पहचान। पहली बात ये कि मैं आपके साथ घर क्यों जाऊँ, और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी साइकिल लेके भाग गए तो। अच्छा चलें आप गुस्सा ना करें, मैं खुद ही आपकी साइकिल ठीक कर देता हूँ, मैं कर लूंगा। मैं कर सकता हूँ फिक्स, मैंने बचपन में बहुत साइकिल चलाई है, आई कैन डू इट। ये हो गया, ये रही आपकी साइकिल, फिक्स कर दी मैंने। अजीब लोग हैं लेकिन हसीन लोग। मेरा शहर यार बाऊ और मेरा बाऊ शहर यार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बहू। आप ठीक हो? तबीयत कैसी आपकी? अल्लाह का बड़ा करम है बहू, अल्लाह का बड़ा करम है। सामान कहाँ है? मैं अभी निकाल के आता हूँ। हाँ जी ऑल सेट। ये क्या हुआ है? ऐसे क्या हंस रहे यार? वहाँ पे वो लड़की मुझे देख के हंस रही थी, यहाँ तू। अच्छा एक मिनट, ये देख अपनी शक्ल फ्रंट कैमरे में, कितना हैंडसम लग रहा है मेरा भाई।
ना जाना मेरे दिल जानिया मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। ओ हेलो, हाँ किधर खो गया है तू? हाँ नहीं नहीं कहीं नहीं। अच्छा तू कहता है तो मान लेता हूँ। इसे एक बात बता, क्या वो लड़की इतनी खूबसूरत थी क्या जो तू उसी के ख्यालों में खो गया? हर किसी को तूने अपने जैसा समझा हुआ है। और चल जाओ भाई, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो मुझे कुछ और ही बता रही है। अच्छा जो कह रही, कहने दे, बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। चल अच्छा आ यार। नजर नहीं आता आपको, हर दफा टकरा जाते हैं मुझसे। हैं कौन आप? यहाँ के तो नहीं लगते। मेरा नाम शहरयार अली है, मैं मलिक फाजी दिल का बेटा हूँ। आप जिसके भी बेटे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल मुझे रहीम चाचा ने यहाँ बुलाया। अच्छा, अपने रहीम चाचा? वैसे वो आपके क्या लगते हैं? एक्चुअली वो हमारी हवेली के चौकीदार हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नहीं हुई अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप यहाँ? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मैं भला आपका पीछा क्यों करूंगा? तो आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? शायद किस्मत हमें ऐसे ही मिलाना चाहती है। अरे कहाँ जा रही हैं आप आरजू? मेरा नाम कैसे पता आपको? बस पता चल गया, वो एक्चुअली शादी में सुना था। आरजू, अच्छा नाम है आपका, आरजू। देखिए जी, मुझे यूं अनजान लोगों से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे अब हम अनजान कहाँ रहे, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। आपके यहाँ मेहमानों के साथ ऐसे ही सलूक करते हैं सब? हाय मैं मर गई। ओए आरजू, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं। और तू कौन है? तू काट चल,
आज तो फैसला होके रहेगा। अदील मेरी बात कोई बात बूत नहीं सुननी, इधर आ बैठ बैठ। अरे तो पाए, एक तो इसकी नींद पूरी नहीं होती। फायजा फायजा, अरे उठो भाई, तुम्हें कमरे से उठाया है तो तुम यहाँ लाउंज में आके सो गई हो। उठो चलो जल्दी करो। क्या हो गया अम्मा? अरे उठो ना, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी खबर है कि मैं बस क्या बताऊं। इतनी भी क्या अच्छी खबर है, सोने नहीं दे रही। अरे आपा ने रुहेल को मना लिया है तुम्हारी और शहरयार की शादी के लिए। क्या सच? तुम सच कह रही हो? अरे सच में मेरी जान, मेरी बच्ची, सच में। अरे अम्मा, अब ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। पर वो सना, सना भाभी तो कभी नहीं मानेगी। मैं मान ही नहीं सकती, वो मान गई हूँ। अरे कैसे नहीं मानेगी, हम आज ही उसके घर जाएंगे और वहां जाके तावीज दबा देंगे। अरे देखो ना, अभी तावीज दबाया नहीं है लेकिन उसकी करामात से आधा घर मान गया है, और जब दबा देंगे तो पूरे का पूरा घर मान जाएगा। अम्मा तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे तू फिक्र ना कर मेरा बच्चा, फिक्र ना कर। चल अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वहां चलते। मैं हो रही तैयार। आजा 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 आजा। कौन हो तुम? अरे मैं हूं ना, तुम बताओ। कुछ नहीं होता। कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। रुहेल वो यहाँ पे थी और उसके पास मेरा बच्चा। क्या हो गया था ना तुम्हें? कोई नहीं है यहाँ पे, देखो। मेरी बात कही करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो मुझे मार देना चाहती है रुहेल। कोई नहीं मारना चाहता तुम्हें। हाँ संभालो खुद को, कोई नहीं मारना चाहता। कुछ नहीं होता, कोई नहीं यहाँ पे। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया।
आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। शरीफाओ आपको हाथों की लकीरें देखने आती? मैं अगर देखने आती तो आपको पता लगता कि मेरी जिंदगी में सिवाय दुख और सबर के कुछ भी नहीं है। अर्जू आप जानती हैं जो दिल सब्र करना जानता है वो कभी हारता नहीं है। हो सकता है कि आपके सब्र का फल आपको मिलने ही वाला हो। क्या हुआ? खैर तो है जी, बस वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? ओ मगर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई। ओ लेकिन तेरी ये गाड़ी में कर क्या रही थी? ओ देख रही अम्मा, इस सारी नसीता ना मेरे हस्ते ही ने, लेकिन अब्बा दी लाडली नू कोई नहीं पूछने वाला, जरा पूरे पिंड च साडा नाम बदनाम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मनु ना दस की मैं समझ रहा, तेन असी दे दी है बड़ी इज्जत, ते हुण साडे घर दा मामला है, मानिया कि तू वड्डे घर दा आदमी है, लेकिन चल हुण निकल इत्थों। चल चला जाऊंगा, बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी वजह से आप लोग आरजू के साथ बुरा सलूक ना करें। लो जी, पूछ सकती हूं इतनी हमदर्दी किस वजह से? बहू ये शहर नहीं गाँव है और आरजू इस घर की इज्जत है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पे हर्फ आए, जिससे आपको शर्म। देखो बाबूशहर यार, मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारी इज्जत पे डाका डालो। मौलवी साहब, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी इज्जत को अपनी इज्जत मानता हूँ। मैं सिर्फ आरजू को घर तक छोड़ने आ रहा था, मेरा और कोई गलत इरादा नहीं था। घर छोड़ने आया था या घर से पहुंचाने आया था? मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं, चुप करो। मैंने अगर घर से भगाना होता तो मैं यूं घर वापस छोड़ने तो ना आता ना। बस शहरयार साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। चले जाए यहां से, चले जाए। क्यों? अब अपने यार को खामोशी से यहां से निकालना चाहती है? आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे कहा ना कि आरजू का कोई कसूर नहीं, आप हद पार कर रही हैं। ओए हुण तू सानू साडी हदूद ना दस, समझ रहे? निकल चल मेरा पुत्र। शरीयत साहब आप जाए यहां से। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें बेकसूर साबित ना करता हूं। मौलवी साहब, आरजू आपकी बेटी है और उसके सादगी और सच्चाई में आपकी तबीयत साफ साफ नजर आती है। मौलवी साहब आप बोलते क्यों नहीं है? मैं तो कहती हूँ इसे निकाल बाहर करें और इस कलमुही का निकाह सीधे से करके इसकी रुखसती कर दें। ऐसा ना हो ये हमारा मुंह काला करा दे। क्या हो गया आपको चाची? वो दो बच्चों का बाप है। तो क्या हुआ,
तो जैसी आवारा लड़की से कौन शादी करेगा? और ये शहरी भंवरे तेरे जैसी गांव की लड़की की जिंदगी उजाड़ सकते हैं, आबाद नहीं कर सकते। बस कर दें, बस कर दें आप। इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है? अगर वो मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई तो इसमें कौन सा इतना बड़ा जुर्म हो गया? तुम्हारे लिए जुर्म नहीं होगा बेटा। पर हमारे लिए ये जुर्म ही है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा क्या है? तुम तो वापस अपने शहर चले जाओगे। हमने तो इसी गांव में रहना है। बाबा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है। समीना तुम सही कह रही हो। शीदे को पैगाम भेज दो। बाबा मुझ पे रहम करे, अपने हाथों से मुझे गोली मार दे, लेकिन उस आदमी से मेरी शादी मत करे बाबा। ओए, अब तमाशा क्या देख रहा है? चल निकल जाओ, बाहर चले तेरो। मौलवी साहब, ये सब गलतफहमी मेरी वजह से, मैं ही इसे ठीक करूंगा। मैं आरजू से शादी करूंगा। आप कहते हैं तो मैं अभी अभी इसी वक्त अपने घर वालों को शहर से बुला लेता हूँ। वाह जी वाह, पहले पूरे गांव में बदनाम करा है, फिर हम पर एहसान करो कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए हमें बहू। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? पसंद करता हूँ मैं आरजू को। देख रहे हैं रिफंड कर रही है, फिल्म चलांदा रहे साड़े नाल। ओ अदील तो रुक जा। और आप इतने खामोश क्यों बैठे? निकाल बाहर करें इसे। और आपकी भतीजी ने यही गोल खिलाने थे तो पहले हमें जहर दे देती। ये सिला दिया इसने आपकी मोहब्बत और ख्याल का। चाची मैं तो इन्हें जानती तक नहीं हूँ। ओ बस कर दे तू तो, मैं तो कह देती हूँ, पहले तूने इस लड़के को फंसाया और फिर यहाँ ले आई। तोबा तोबा, दीदो का पानी खुश्क हो गया तेरा, बेशरम। बस कर दे, बस कर दे। मैं बहुत देर से शराफत से बात कर रहा हूँ और उसी बात का फायदा उठा रही है। तू मेरी माँ से बात किस तरह कर रहा है? हैं? शराफत ने अपने घर जाके दिखाई। अब मैं तेनु आखिरी बारी कह रही, तू निकल जा, चल चल निकल। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा है ना? आराम नाल नहीं जाएगा अम्मा। एक मिनट ठहर। अब शरार साहब, अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो यहां से चले जाए। लेकिन खुदा के लिए चले जाए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे।
खुरम, खुरम तू कहाँ गायब है? तू तेरा फोन भी बंद जा रहा है। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। तो फिर खड़ा होके क्या सोच रहा है? चल चले। मेरी बात सुनो। अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? और कौन सी बदनामी रह गई है जो आप मेरे नाम करना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं चाहता था। आप ऐसा नहीं चाहते थे लेकिन हुआ तो ऐसे ही ना। मुझे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। देखिए शहरयार साहब, जब कुछ दिन बाद आप इस गाँव से चले जाएंगे ना तो आपको मेरी याद तक नहीं आएगी। याद तो उसे किया जाता है जिसे भूल जाया जाए। तुम तो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हो। ऐसे ख्वाब नहीं देखना चाहती जिनकी कोई ताबीर ना हो। तुम्हारे हर ख्वाब की ताबीर मैं हूँ अर्जुन। मैं ख्वाब देखना छोड़ चुकी हूँ और इन ख्वाबों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। जब भी ख्वाब टूटते हैं ना तो इनकी खिड़कियों से दिल तो क्या शूबी लहूलुहान हो जाते। अरे मुझ पे हिम्मत बाकी नहीं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मेरी मोहब्बत सच्ची है और तुमसे किया हुआ हर वादा हकीकत। आप पे अगर यकीन कर भी लूं तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं मुझे। अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब क्या ये आपकी भतीजी नहीं है? वैसे भी क्या ज़माना आ गया, जब इमाम मस्जिद के घर में ये काम होगा तो बाकी घरों में क्या होगा? बाबा, बाबा, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला? लेकिन आज मुझे इतना एहसास जरूर हो गया कि मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूं ना। बाबा ऐसी बातें मत करें। आपके अलावा मेरा यही कौन? आप मेरे सब कुछ हैं। अगर तुम्हारी नजर में मेरी जरा सी भी अहमियत होती तो आज यूं सारे गांव के सामने मुझे शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती। मां मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। देखो आरजू, भरोसा हर रिश्ते की सबसे महंगी शर्त होता है और आज तूने मेरा मान, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया है। और अगर तुम्हें यही कुछ करना था तो मुझे पहले बता देती। मैं इससे सारे गांव के सामने जलील तो ना होता। बाबा मैं से एक बार मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप जो कहेंगे ना मैं वही करूंगी। आप जिससे शादी कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। मैं उस शहरयार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। बाबा प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे।
उठो, मैं इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह करके तुम्हारी रुख्सती कर दूंगा। आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? शायद किस्मत हमें ऐसे ही मिलाना चाहती है। अरे कहाँ जा रही हैं आप आरजू? मेरा नाम कैसे पता आपको? बस पता चल गया, वो एक्चुअली शादी में सुना था। आरजू, अच्छा नाम है आपका। तुमने मुझे याद किया, मैं आ गया। मेरा और आपका साथ मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं हर वक्त, हर पल, हर घड़ी तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया। फिर आ गया, लगता रात भी मारता असर खत्म हो गया। अपनी बकवास बंद कर, मैं मौलवी साहब से मिलने आया। ओए होए होए होए, बड़ा ही टीट आदमी है भाई तू। ओए राती इन्ना जलील होया तू मजार दे सामने, और की चाहना है? हालांकि अब्बा जी ने भी तेनू कहता है जलील करके कड़िया पिंड चो, और की करने ही, की रहना है इत्थे? और मैं तुझ जैसे जाहिल के मुंह नहीं लगना चाहता। ओ मनु जाहिल कवार कह रहे, तू आप ये की समझ रहा अपने आप में? ए अभी अभी ठहर जा। बाबू शायद यार, तुम अभी तक गांव से गए नहीं? मैं तो जा ही रहा था, लेकिन आपकी एक अमानत मेरे पास थी, सोचा जाते जाते आपको दे जाऊं। अमानत? मेरी कौन सी अमानत है तुम्हारे पास? आपकी सारी जमीन, आपका घर, जो आपने हमारे पास गिरवी रखवाया हुआ था, ये उसके कागजात हैं, मैंने आपके नाम कर दिए। वो तो ठीक है, पर मैं अभी कर्ज के पैसे वापस नहीं कर सकता। मुझे चाहिए भी नहीं। मौलवी साहब, अगर वो खुद दे रहे तो इसमें आपको मसला ही क्या है? लेकिन बहू, अगर तुम रिश्वत देना चाह रहे हो ना, तो ये कागजात तुम वापस ले लो, क्योंकि हमारी आरजू का रिश्ता वही होगा जहां हमने तय किया है। हमारी इज्जत का कोई मोल नहीं।
मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। आपने आरजू का रिश्ता जहां भी तय किया है यकीनन बहुत सोच समझ कर किया होगा। आप उसके बड़े हैं, भला आपसे बेहतर उसके लिए कौन सोच सकता है। बड़े अपने बच्चों के साथ कभी हकदलफी नहीं करते। ठहरो बेटा, भविष्य यार तुम्हारे एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज माफी साहब, मुझे गुनहगार ना करें, मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरे बड़े हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनो बेटा, बात तो मुनासिब नहीं है, पर अब आ ही गए हो तो खाना खाकर जाना, बारात बस पहुंचने ही वाली है। गजब हो गया मौलवी साहब। क्या हुआ मुदे? वो जी बारात वाली बस जिसमें रशीद और बराती थे। हाँ, क्या हुआ उसे? वो उलट गई है और बेचारा रशीद वही मारा गया। आरजू बेचारी तो शादी से पहले ही बेवा हो गई। हाँ, वैसे बाजी समीना सच ही कहती हैं, बहुत मनहूस है ये आरजू। अब क्या करेंगे बेचारे मौलवी साहब। हाँ, इतना खर्चा हो गया बेचारों का और लड़की के माथे पर तो दाग भी लग गया है। कम से कम आरजू का हार सिंगार तो उतारना चाहिए ना, बेचारी बेवा जो हो गई है। उतार दे ये सब हार सिंगार, जिसके लिए किया था वो चला गया इस दुनिया से। अब तेरे नसीब में यही सब कुछ लिखा है। आओ बहनों, तोड़ो इसकी चूड़ियां। नहीं चाची, ऐसा मत करे। अब तुझे बेगी की जिंदगी गुजारनी है, यही बस अब इसका नसीब है। आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले? ये हमारे गांव की रीत है, कोई भी बेवा हार सिंगार की मुस्तहिक नहीं होती। लेकिन आरजू बेवा नहीं हुई। हेलो जी भाभी। शुक्र है तुम्हारा नंबर तो मिला। कब से शहरयार का नंबर ट्राई कर रही हूँ, वो ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक ही है। क्या मतलब, कहाँ है वो? वो हम लोग गांव में हैं। गांव में कहाँ? वो हम हवेली में। देखो झूठ मत बोलो। मैं यहाँ पहुंच गई। तुम दोनों नहीं हो यहाँ पे, बताओ मुझे कहाँ हो। भाभी हम मौलवी साहब के घर में हैं। मौलवी साहब? कौन मौलवी साहब? मौलवी साहब गांव के मौलवी अब्दुल मजीद। अच्छा मुझे बताओ उनका घर कहाँ पे, मैं वहाँ आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा करें, आप हवेली में रुके रेस्ट करें, हम वापस आ जाते हैं। रेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। और ये तुम्हारे पीछे शोर कैसा है? कुछ नहीं। तुम क्या छुपा रहे हो? तुम मुझे एड्रेस दो, मैं वहां आ जाती हूँ। हेलो 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 भाभी। हेलो पुरम। हेलो हेलो फोन कट गया। अच्छा ये बेवा नहीं है, इसका खसम इसे ब्याने से पहले ही मर गया और तुम कह रहे हो ये बेवा नहीं है? अरे ये बड़ी मनहूस है, इसकी नहुसत खा गई शीदे को। कितनी जहालत भरी सोच है आपकी,
जब आरसू की शादी ही नहीं हुई तो वो बेवा कैसे हो सकती है? और वो शख्स जो मर गया उसकी मौत शायद ऐसे ही लिखी थी। ये तो मेरे अल्लाह का काम है, इसमें हम इंसान क्या कर सकते हैं? हम सब बेबस, हमारी कोई औकात नहीं। क्यों मौलवी साहब, मैं सही कह रहा हूं ना? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? आपके होते हुए आरजू के साथ ऐसा सलूक, ये सरासर ना इंसाफी और हमारा मजहब। अब आओ, अब तू हमें मजहब की तालीम देगा है? मजहब के साथ साथ ना रिवायतें भी होती हैं, और हमारे गांव की ये रिवायत है कि किसी लड़की की शादी हो या ना हो, लेकिन जब भी उसका नाम किसी मर्द से जोड़ा जाता है ना, तो वो उसकी बीवी भी होती है और बेवा भी। कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये सिर्फ जहालत है और कुछ नहीं। बेटी को भी इंसान समझो, बेटी को भी इंसान समझो। और समझ समझ रहे होंगे इंसान सुन, ये हमारे घर का मामला है और इस वक्त आरजू हमारे घर की इज्जत है, तेरी नहीं, समझ रहे? अब चल निकल यहां से, दफा हो जा। ओए अदील, ठहर जा। बहु शायद यार ठीक कहते हैं, जब शादी नहीं हुई तो आरजू बेवा कैसे हो गई? क्या हो गया मौलवी साहब आपको? ये ठीक रहा मौलवी साहब, आपकी यहाँ भतीजी की बारी आई है तो सारी रस्म रिवाज आपकी एक तरफ हो गई है। हाँ तो ठीक है मौलवी साहब, अपनी भतीजी का निकाह अपने बेटे से कर दे, क्योंकि उसके माथे से उसके बेवा का दाग खत्म हो जाए। हम अपने गाँव की रस्म रिवाज खत्म नहीं कर सकते। रस्म और रिवाज इंसान के खुद बनाए होते हैं मेरी बहन, और हमारा दीन मेरे अल्लाह का तोहफा है, उसमें रद्दोबदल मुमकिन नहीं है। अरे बहन, तुम्हारी मत मारी गई है, मैं नहीं करने वाली शादी अपने बेटे की इस करमजली से। मेरी तरफ से यह मर जाए। आओ तोड़ो इसकी चूड़ियां और पहनाओ इसे सफेद चादर। आ जाओ, तोड़ो इसकी चूड़ियां। रुक जाएं। मैं आरजू से शादी करूंगा अभी और इसी वक्त। शहरयार, ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे आई? अभी आप यहां? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन भाभी अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो यहां से। अभी तो बड़े बड़े दावे कर रहा था बाऊ, अब अपने रिश्तेदारों के सामने चिट्टी क्यों गुम हो गई तेरी? शहरयार, तुम पहले मेरी बात सुनो, चलो यहां से। क्या हो रहा है ये सब? भाभी आपने सुन तो लिया, मैं आरजू से शादी करना चाहता हूँ। ये सब नहीं हो सकता। भाई प्लीज, आप तो ऐसे ना कहें। आपने तो हमेशा मुझसे यही कहा है ना कि मेरी पसंद आपकी पसंद, आप उसी लड़की को ब्याह कर घर लाएंगे जिसे मैं चाहता हूँ, और मैं सिर्फ आरजू को चाहता हूँ। शहरयार, मैं तुम्हारी बात समझ भी जाऊँ, बाकी घर वाले, तुम्हारे भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आप ये जाहिर लोग उस बेचारी की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देंगे, और मैं इस हाल में उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जहाँ तक भाई की बात है, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ जाएंगे। प्लीज शहरयार, तुम नहीं समझ रहे हो, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। आप क्या कह रही हैं? मैं आरजू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकते हो। मेरी बात को समझो, हम वापस हवेली चलते हैं, वहां जाकर बात करेंगे। इतना टाइम नहीं है, आप नहीं जानते ये लोग उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे, उस पर इतना जुल्म करेंगे, और मैं इस हाल में उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता।
लेकिन शहरयार वो एक गांव की लड़की, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी? और मुझे नहीं लगता उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। तो भाभी आप आ गई हैं ना, आप बात करेंगे तो वो मान जाएंगे। लेकिन शहरयार मैं तुम्हारे भाई को बताए बगैर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगी? For God's sake, please, यार, एक आप ही तो हैं जो मेरी फीलिंग को समझती हैं। आप ही तो मुझे हमेशा कहती थी कि शादी कर लो। अब मैं शादी करना चाहता हूँ तो आपको इतराज है? शहरयार फजूल की जिद है तुम्हारी, और मैं इस जिद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अभी मुझे आपका साथ चाहिए, प्लीज फॉर गॉड्स सेक मेरा साथ दें। आप मेरा साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? फॉर गॉड्स सेक मुझे आपका साथ चाहिए, आप तो मेरा साथ दें। शहरयार तुम समझ नहीं रहे, ये मुमकिन नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की को ब्याह कर कैसे घर लेके जा सकती हूँ शादी से पहले, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारे भाई, मामा? आपको मुझसे ज्यादा लोगों की फिक्र है। ये मेरी जिंदगी है, जब मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप क्यों कर रही हैं? और जहां तक मामा और भाई की बात है, मैं उन्हें समझा लूंगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समझा, लेकिन शायद आपने मुझे अपनी औलाद नहीं माना। काश मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे इस तरह ही अकेला ना छोड़ती जैसे आपने छोड़ दिया। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूँ, मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ आरजू से, वरना कभी शादी नहीं करूँगा, और शायद उसके बिना जी भी ना पाऊँ। शरीर ऐसी बातें क्यों करो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर प्यार करती है तो मेरा साथ क्यों नहीं दे? मेरे कहने पर एक बार आरजू के घर वालों से उसका रिश्ता मांग ले, प्लीज। अच्छा, तो अगर वो ना माने तो? अगर वो ना माने तो जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन एक बार ट्राई तो करें, एक बार बात तो करें, प्लीज प्लीज एक बार। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आप मुसलसल इनकार क्यों कर रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। ओ तुसी फजूल बहस छेड़ी है, अब मैंने एक बार कह दिया है कि रिश्ता नहीं हो सकता, सी नहीं करना रिश्ता। चलो अपना टेबल फड़ो, निकलो यात्रो। तुम इससे बात कर वरना। मैं बात करी हूँ। ओ बात करने का तो अब कोई जवाब ही नहीं बनता, बस कह दिया ना, आरजू अब बेवा की जिंदगी गुजारेगी और अब हम उसकी शादी नहीं करेंगे। अरे वो इस गांव की बेटी है और वो हम पर बोझ नहीं है, और सही कहा ना मैंने? और ठीक कहा अम्मा तूने, हमारे गांव का ना यही रिवाज है, यहाँ बेवाओं की शादियां शुदियां नहीं होती, ना वो हंसती हैं ना बोलती हैं, समझ रहे तू? चल अपनी शराफत काट और निकल यहाँ से। मैं तुम लोगों को ये जहालत नहीं करने दूंगा, और फर्ज करिए अगर आरजू बेवा है भी तो हमारे मजहब में बेवाओं के हकूक है, और वैसे आरजू बेवा है ही नहीं। मौलवी साहब को क्यों बुला रहे हैं? मौलवी साहब का बछड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ है, और तुझे एक बार बोल दिया है और कसम मर गया है, और कसम मर गया है, और कसम मर चुका है, और बेवा हो गई है। आरजू बेवा नहीं है। आरजू बेवा नहीं है, और मुझे उसकी शादी बाहुशहर यार के साथ करने पे कोई इतराज नहीं है, मंजूर है मुझे। आरजू बिन्त अब्दुल हलीम, आपको मलिक शहरयार वल्द मलिक वाजिद अली के साथ निकाह मसनूना इवज 5,00,000 रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है। आरजू बिन्त अब्दुल अलीम, आपको मलिक शहरयार अली वल्द मलिक वाजिद अली के साथ निकाह मसनूना इवज 5,00,000 रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? जी कबूल है।
आरजू बिनत अब्दुल अलीम, आपको मलिक शहरयार अली वल्द मलिक वाजिद अली, इनके साथ निकाह मसनूना एवज 5 लाख रुपए, हक महर सिक्का राजुल वक्त, कबूल है? जी कबूल है। लो बेटा यहाँ दस्तखत कर दो। न जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। मलिक साहब आप भी करें। दुआ फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरते हसना व क़िना अज़ाबुन्नार। या अल्लाह मियाँ, ये दो ख़ानदान जो आपस में जुड़े हैं, इनको एक दूसरे पे एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते में बांधे रखना। या रब्बुल इज़्ज़त, ये बच्ची और बच्चा, इनके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा करना। या अल्लाह मियाँ, इन्हें हर किस्म की बुराइयों से, बैरूनी आफात से और महल्लाती साजिशों से बचा के रखना। आमीन सुम्मा आमीन। मुबारक हो। ये हमारे घर की रौनक है। घर से जाएगी तो वापस आएगी ना अब्बा। होशियारी बाऊ, बड़ा समझाया तनु, लेकिन तू भी कोई एंड नस्ल है। चल फिर, टाइम आ गई तेरा, पढ़ ले जो पढ़ नहीं। शहरयार आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। मेरी सुन रहा हूँ। समीना रोक ले अपने बेटे को, मेरे हाथ से कुछ ऐसा ना हो जाए कि बाकी सारी जिंदगी सिर्फ पछतावा ही रह जाए। रोक अपने बच्चे को। ओ दिल तू यहाँ से चला जा। तुझे मेरी कसम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ दियूँ, तू चला जा यहाँ से। शहरयार अब हमें चलना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी। हाँ आओ बेटा आओ। लगता है आप लोगों के घर में कोई फंक्शन चल रहा है। शहरयार, लगता है तेरी शादी की खबर घर पहुंच गई। तो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, उन्होंने तुझे सरप्राइज दे दिया। खुर्रम, अभी ये सब क्या हो रहा है, क्या है? शहरयार, अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है, तुम अंदर चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं देखता हूँ। चलो चले भाभी, चले अंदर चलते, आइए। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं ना। और वैसे भी शहरयार की फैमिली में कोई आदमखोर नहीं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, चलिए अंदर चलते हैं, आइए।
शहरयार, अरे बेटा तुमने कितनी देर लगा दी आने में। और फायजा तो तुम्हारी रात तकते तकते थक गई। बहुत देर कर दी तुमने। बहरहाल पेशगी मुबारकबाद। मेरा बच्चा, शुक्र है कि तुम वापस आ गए। मैं कितनी उदास हो गई थी तुम्हारे बगैर। तुम्हें ये खुशी की घड़ी मुबारक हो। ये सब क्या है मामा, ये क्या हो रहा है? अरे बेटा बाद में सब समझा देंगे, चलो चलो चल के अपनी दुल्हन देखो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है, मेरी बात तो सुने आप लोग। तुम्हारी सब बातें बाद में सुनेंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मौलवी साहब जल्दी से निकाल पढ़ाइए। ये कौन है? खुरम, ये तुम्हारे साथ है? नहीं आंटी वो। अरे खुरम बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी ये दुल्हन है या मुगेतर? भाई भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अरे भाई क्या समझ नहीं आ रही, आज तुम्हारा निकाह है फायजा से और सुबह शादी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता, कब तक तुम कुंवारे बैठोगे? अब हमने फैसला कर लिया। अरे इसीलिए तो तुम्हें लेने गई थी सना। सना तुमने शहरयार को बताया नहीं? रुहेल मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अरे भाई बातें तो होती रहेंगी, अभी सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर करके थक गए होंगे और मौलवी साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 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 कुछ नहीं, अब तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला। तुम्हारा निकाह आज होगा और अभी होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब शादी नहीं कर सकते? शहरयार यहां पे कोई मजाक नहीं हो रहा, सबके सामने तमाशा ना बनाओ यार। तमाशा तो आप लोगों ने बनाया, मुझसे पूछे बगैर ये सब अरेंजमेंट, मेरा निकाह, ये सब। शहरयार हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। काला जो भी है लेकिन आई एम सॉरी, मैं फायजा से शादी नहीं कर सकता। रुहेल, रुहेल बेटा ये हमारी बेइज्जती है। देखो शहरयार, रुहेल साहब आपने ऐसे ही मेरा इतना वक्त जाया किया, अगर आपका भाई शादी के लिए तैयार नहीं है तो आप उसकी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। जब आपके मामला तय हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। मौलवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? तुम सबके सामने मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। शहरयार की बात तो सुन ले। अरे हो ना हो ये सब इसी का किया धरा है, इसी ने पट्टी पढ़ाई होगी शहरयार को, पहले ही दिन से ये मेरी बेटी की दुश्मन है। क्या ये सच है सना, बोलो। भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर तुम बिलावजह इनकार क्यों कर रहे हो शहरयार? इसलिए क्योंकि मैं शादी कर चुका हूं। कभी तुमने सोचा है कि तुमने फायजा की जिंदगी बर्बाद कर दी और वो भी एक दो टके की लड़की के लिए? अब तो मैंने सुन लिया मामा, लेकिन आइंदा मैं अपनी बीवी के बारे में, मैं आरजू के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वाह भाई ये सही ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। आपको जो समझना है समझे, ये जिंदगी मेरी है तो शादी का फैसला भी मेरा ही होगा। आपको इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा तुम लगा रहे हो या फिर हम लगा रहे हैं तमाशा?
तमाशा। जब सबको पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। रुहेल आप एक बार शहरयार की बात तो सुन लें। तुम तो रहने दो सना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया तुमने। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये मजाक। आज शहरयार का निकाह होकर रहेगा फायजा के साथ। खाला मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आप हर्ट हुई हैं। मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आरजू से मोहब्बत करता हूं और वो मेरी बीवी बन चुकी है, और उसके अलावा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकता। शहरयार, शहरयार ऐसा मत करो, मेरी बेटी तुम्हारी दुल्हन बन चुकी है, खुदा के लिए ऐसा मत करो। अम्मा, फायजा, ऐसा मेरी बच्ची। शहरयार, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। शमा, तुम जाओ, जाकर फायजा को देखो, चलो। लेकिन आपा देखे ना मेरी बच्ची के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। तुम जाकर फायजा को संभालो, वो कुछ कर ना ले। मैं जाकर मेहमानों को देखती हूँ, उन्हें भी तो कोई जवाब देना है ना। मैं जाओ जाओ। बेटा देखो, मेरा दुनिया में तुम्हारे सिवा कुछ कोई नहीं। बेटा कुछ ऐसा वैसा नहीं करना। फायजा, फायजा प्लीज, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, दरवाजा खोलो। फायजा, फायजा, आपा, रुहेल, रुहेल, आपा। अरे आप लोगों के लिए कितना आसान है ये कहना कि ये वक्ती गुस्सा है। अरे वहां मेरी बेटी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मैं दरवाजा खटखटा खटखटा के थकी, मगर आगे से वो कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या हुआ खाला? रुहेल, खुदा के लिए मेरी बच्ची को कुछ बचा लो, उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी और मेरी मौत का इल्जाम तुम सब पे होगा। अरे खाला कुछ नहीं होता, आप बेफिक्र रहिए, चले मेरे साथ आइए। आए आप, तुम कहां जा रहे हो? रुहेल, ये वक्त इस बहस का नहीं है। तुम इस मामले से बाहर रहो, इसका ना तो इस घर से और ना ही इस घर के किसी भी फर्ज से कोई ताल्लुक है। फायजा, 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 बेटा ऐसा वैसा कुछ ना करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे आप रहने दे, मुझे पता है आपको कितनी फायजा की चाह है। खाला प्लीज, ये वक्त बहस करने का नहीं है। फायजा, फायजा दरवाजा खोलो, देखो हम सब बाहर खड़े हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। फायजा, क्या हुआ? फायजा ने दरवाजा नहीं खोला। आ गई हम दर्दी जताने। ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, अब तमाशा देखने आई हो। खाला, ये वक्त इन बातों का नहीं है। रुहेल, आप दरवाजा तोड़ दें। तुम तो चुप रहो, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, समझी? फायजा, हटे खाला प्लीज, हटे, मैं देखता हूं। फायजा, दरवाजा खोलो। फायजा, जी।
मेरी बेटी को तो खा गई, अब क्या चाहती हो? खाला क्या कह रही हैं आप? हटो! अरे तुम ही तो जो इसको लेकर आई हो। तुम मेरी बेटी की कातिल हो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को। शमा शमा, खुद को संभालो, क्या हो गया तुम्हें? अरे आप इसे कह के चली जाइए यहाँ से। मैं इसको नहीं देख सकती, मेरे सामने से अपना चेहरा हटा ले, इसको कहीं चली जाए यहाँ से। मेरी बच्ची। रुहेल, 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 कहाँ ले गए मेरी बच्ची को? रुहेल मेरी बेटी को कहाँ लेकर गया? मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो, मेरी बच्ची के पास। तुम मेरी बेटी के कातिल हो। अरे मेरी बेटी को तुमने मार डाला, अरे तुम्हारे गम में वो मर गई। उसका क्या गुनाह था, क्या गुनाह था उसका? वो तुमसे सिर्फ मोहब्बत ही तो करती थी, क्या गुनाह था उसका? खाला सुन, खाला। अच्छा, अपने आप को संभालो, संभालो। आज आज अंदर चलो। ये देखें कौन आया है। अरे मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कब आई? और शमा, बहुत बुरी हो तुम, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? अरे आपा, मुझे खुद नहीं पता था, इसने ही मुझे सरप्राइज दिया है। बस क्या करती खाला, जैसे ही फायजा का पता चला मैं तो दौड़ती चली आई। अच्छा किया बेटा, इस वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत थी। मैं जानती हूँ खाला, इसीलिए तो आई हूँ। अम्मा आप परेशान नहीं हो, मैं आ गई हूँ ना, आपकी बेटी है यहाँ पर। मैं अपनी फायजा के कातिलों को हरगिज़ माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। नहीं आपा, मेरा गम और गुस्सा कोई नहीं समझ सकता। इस घर में मेरी बहन के साथ हुई हर ज्यादती का बदला लूंगी। एक एक को तड़पाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी हादिया नहीं। जीतती रहो बेटी, मैं जानती हूँ तुम मेरी फायजा की मौत को जाया नहीं होने दोगी। अरे आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अरे खाला, कब तक ऐसी डरती रहेंगी अपने सौतेले बेटों से और उनकी चहेती बीवियों से? वो दोनों तो मुझे एक आंख नहीं भाती। क्या करूं, मेरी मजबूरी है, वरना मैं वरना रहने दे आप खाला। Thank you.
गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे क्या हुआ? आप मेरी वजह से वहां सोफे पर सोए, नींद भी ठीक से नहीं आई होगी। तुम्हारे इस कमरे में मौजूदगी मेरे लिए काफी है। आ जाए। गुड मॉर्निंग भाभी। मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए तुम दोनों? जी भाभी अभी उठे हैं। चलो आ जाओ जल्दी से, मैं भी तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मैं बस फ्रेश हो जाऊं फिर आते हैं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। चलो आ जाओ जल्दी से। ये क्या? मैं कुछ समझी नहीं। शहरयार यहाँ सोया था? कल आपके जाने के बाद शहरयार ने कहा कि वो सोफे पर सोएंगे। मैं? जी भाभी, जब कल आप मेरी तबीयत पूछने के लिए आई थी, कल रात को। लेकिन मैं तो नहीं आई। I'm so sorry. आतिया तुम कब आई? वो मैं बस रात को ही आई थी, आप सो रहे थे तो आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। और इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं वो मैं गुस्से में तो नहीं हूँ। चले फिर। क्या? अरे भाई नाश्ते पर। नहीं मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, वहीं कर लूँगा। ये तो कोई बात ना हुई, मतलब इतनी देर बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आपने मुझसे फायजा का अफसोस भी नहीं किया। I'm sorry, वो ऑफिस में काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। चले फिर ठीक है, अब फिर आप ये ना कहें कि हादी की वजह से आप लेट हो गए। चलो ठीक है, नाश्ता करते हैं। और सना भाभी कहाँ पर हैं? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? किचन में होगी, मुझे नहीं पता। अब तुम सवाल जवाब से मेरा पेट भरोगी या फिर नाश्ता भी करवाओगी? नहीं चले। क्या बस गुड़िया की देखभाल करती रहोगी, अपने शौहर का कोई ख्याल नहीं है? लगता है मुझे मौलवी साहब से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं शहरयार, बाबा से कुछ मत कहिएगा, कोई गलती हुई तो मुझे बताएं। क्या हो गया? मैं मजाक कर रहा हूँ। आइंदा ऐसा मजाक मत कीजिएगा। अच्छा बाबा नहीं कहते, लेकिन अभी अभी मुझे एक बात का पता चला। वो क्या? वो ये कि अगर तुमसे कोई बात मनवानी हो तो तुम्हें मौलवी साहब की तड़ी दे। बाबा मेरे लिए सब कुछ है, आप जानते हैं मेरे माँ बाप नहीं थे, उन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, औलाद से ज़्यादा बढ़कर चाहा है मुझे, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। इज्जत भी करती हूँ और डरती भी? ये डर नहीं है, मोहब्बत है। मैं बाबा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझसे भी ज़्यादा। आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाएँ, वरना वो क्या सोचेंगे कि मैंने पहले ही दिन आपको उनसे छीन लिया। इससे बात तो सच है, क्योंकि जब आप मेरे सामने होती तो मुझे किसी का ख्याल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, बाप जाएं यहाँ से। एक शर्त पर। वो क्या? तुम भी मेरे साथ अंदर चलो। नहीं शहरयार, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर वालों की दिलासारी हो। देखो तुम अब इस घर का फर्द हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा, तुम्हें हमेशा मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन शहरयार जो कुछ भी कल हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपके घर वाले मुझे अपनाएंगे। मेरे घर वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, जैसे उनका गुस्सा खत्म होगा वो तुमसे भी इतनी मोहब्बत करेंगे, तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम ये सारा वक्त भूल जाओगे।
सब्जी काटी तुमने? जी बेबी जी, आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है बीबी जी, लगता है किचन का सारा काम आता है आपको। हाँ, सब कुछ बना लेती हूँ। चाइनीज़ भी बना लेती हैं, शहरयार साहब को बहुत पसंद है। मेरी बहन शायदा ने ख़ास तौर पे उनके लिए सीखा था। शहरयार साहब इस घर के लाडले जो हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी बहन? कहाँ होने जी, बेचारी छत से गिर कर मर गई थी। कब और कैसे? मुझे नहीं पता, बस इसी घर में मौत वाकई हुई थी उसकी। इतना जानती हूँ, सब कहते हैं कि खुदकुशी की है उसने, लेकिन मुझे मालूम है कि ज़रूर कुछ हुआ है उसके साथ। वैसे क्या बात है, बताओ मुझे। मुझे देर हो रही है बीबी जी, मैं काम कर लूँ बाकी। फौजिया मेरी बात सुनो। बीबी जी, क्या हुआ बीबी जी? कुछ कुछ नहीं। अरे हादिया, जरा चल के जल्दी से मेरे साथ नाश्ता बना लो। अरे नहीं अम्मा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ, जरूरी काम है। अरे लेकिन मैं आपा को और शहरयार को बोलकर आई हूँ कि तुम नाश्ता बना रही हो। अम्मा मुझसे नहीं होते ये सब चौंसले, मुझे वैसे भी देर हो जाएगी। लेकिन अब मैं आपा से क्या कहूंगी? क्यों, उनकी दोनों बहुएं सो रही हैं, जो मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी? अरे भाई, मैंने जानबूझ के उनसे कहा है कि तुम सुबह से किचन में हो, ताकि उनको अपनी बहुओं की नाहली का एहसास हो। उफ़ अम्मा, मुझे ना अपने सलीके की वजह से इस घर में जगह नहीं बनानी, और वैसे भी ना ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। मैं सब संभालूंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। लेकिन हादिया। अच्छा ना अम्मा, वो कहते हैं ना कि जाते हुए को रुकना नहीं चाहिए, आप भी मुझे मत रोके, क्योंकि जो मैं प्लान कर लेती हूँ ना तो पीछे नहीं हटती, और मुझे रुकना नामुमकिन है। लेकिन हादिया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाप ने तो बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। हाय, अगर मेरी फायजा होती तो फौरन मेरी बात मान लेती। हाय, अब चलें, खुद ही जाके नाश्ता बनाती हूँ, अब वो तावीज भी तो मिलाना है ना। अरे हादिया, तुम यहाँ? बस कमरे में बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि फ्रेश एयर ही ले लूँ। अच्छा किया। अरे आप कहीं जा रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैं जानती हूँ आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, और ऊपर से हालात भी ऐसे पैदा हो गए, और फिर फायजा की मौत। आदिया मेरा यकीन कर, मैं फायजा की मौत का जिम्मेदार नहीं, ना ही मैंने कभी उससे मोहब्बत की है। और ये जो अचानक से शादी की तैयारी घर वालों ने कर ली, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं समझ सकती हूँ,
आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत होती ही बहुत ज़ालिम है। अपने महबूब को किसी और का होते देखना आसान नहीं होता, इसीलिए फायजा ने भी अपनी जान दे दी। लेकिन मैंने फायजा को ना कभी कोई उम्मीद दी थी ना दिलासा, वो खुद ही आपसे एक तरफा मोहब्बत करती थी, यही कहना चाहते हैं ना आप? शहरयार, मोहब्बत एक तरफा ही होती है, दो तरफा तो मुआहदे होते हैं, और असल जिंदगी में तो हमेशा मोहब्बत एक तरफा और लाहासिल ही होती है। लेकिन आप खुश नसीब हैं कि आपने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली। मैं जानता था कि तुम भी मुझे इल्जाम दोगे। यहाँ कोई भी नहीं जो मेरी बात को समझ सके, कोई भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुझे बताएं, मैं सुनूंगी आपके बात। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आरजू से मोहब्बत की है। पहली बार जब उसे देखा तो अभी से तुम लव एट फर्स्ट साइट कह लो या कुछ भी, लेकिन मैंने उसके अलावा कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। और फायजा को तो मैंने हमेशा सिर्फ अपने कजन समझा, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगा कि मेरे दिल में फायजा के लिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं सबको समझा समझा के था कि, लेकिन किसी को मेरी बात समझ ही नहीं आती, या मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, किस तरह सबको बताऊं कि मैं फायजा से मोहब्बत नहीं करता था। आप परेशान नहीं हो, मैं समझ रही हूँ, आप बस बहुत हो गए। आरजू, लगता है आरजू ने हमें देख लिया है, कहीं वो गलत ही ना समझ ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आरजू ऐसी नहीं है, वो कुछ गलत नहीं समझे। नहीं, मुझे आपके लिए फिक्र हो रही है, कहीं उसने कुछ गलत समझ लिया तो आप कहते हैं तो मैं उससे बात करूं? नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं खुद बात कर लूंगा। कौन है तुम? मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी मौत, तुम्हारी जिंदगी चाहिए मुझे। तुम्हें मरना होगा।
आरजू, 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 तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही। आरजू कहाँ जा? आरजू, आरजू, आरजू। तुम ठीक हो? आरजू, 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 आरजू तुम ठीक हो? शहरयार उठाओ इसे जल्दी से। चल, चल। सब क्या हो रहा है? आरजू ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने तुम्हें कहा था ना शहरयार, अब देख लो। अब कहना क्या चाहती हैं भाभी? ये सब वही करी, आरजू को जिंदा नहीं रहने देगी। आप क्या कह रही हैं भाभी? कौन कह रही है? किसकी बात कर रही हैं आप? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? भाभी प्लीज, अब आप कोई जिन भूत या चुड़ैल की बात ना कीजिएगा। तो मेरी बात का यकीन करो ना करो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ शहरयार, प्लीज इसे शाह साहब के पास ले जाओ। प्लीज, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी बातें तो ना करें, फॉर गॉड्स सेक। कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा तुम कौन हो, क्या चाहती हो? शहरयार मेरी चाहत है। सिर्फ उसे चाहती, लेकिन शहरयार सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और हम दोनों का रिश्ता, मेरा और शहरयार का रिश्ता हमेशा है। तुम्हें हमारे बीच से हटना होगा। आखिर तुम हो कौन? अपने ससुराल से पूछ लो, मैं कौन? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? Thank you.
हेलो भाभी, वो आज भी फोन नहीं पिक कर रही, जरा मेरी बात करवा दे उससे। लेकिन मैं तो घर पे नहीं हूँ। क्या हुआ भाभी, आप रो रही हैं? नहीं शहरयार। भाभी बताएं मुझे क्या हुआ है। शहरयार कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरा गला खराब है ना शायद इसलिए। भाभी मैं जानता हूँ आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, प्लीज बताएं मुझे क्या हुआ है। शहरयार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। भाई कहाँ है, आपके साथ है? नहीं, वो कहीं बाहर गए थे शायद। भाभी प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ, आप क्यों परेशान लग रही हैं? नहीं शहरयार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ। गई थी तुम हादिया? अम्मा बता कर तो गई थी, रोहिल के साथ लंच पर जा रही हूँ। लंच? अरे अभी तो डिनर का टाइम भी निकल चुका है। अम्मा जो हुआ है ना आप सुनेंगी ना तो खुशी से पागल हो जाएंगी। अब ऐसा भी क्या हो गया? मैं और रोहिल रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो सना ने देख लिया। क्या जी? फिर क्या हुआ, कुछ कहा तो नहीं उसने तुम्हें? कहना क्या था, अगर आप उसकी शक्ल देख लेती ना तो आपको मजा आ जाता। अरे पागल लड़की तुम खुश हो रही हो? अरे तुम सना को नहीं जानती, वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। अरे मेरी फायजा को भी उसी ने मारा। कितनी बार कहा है तुमसे कि उसके मामला से दूर रहा करो, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आती। अब बिला वजह परेशान हो रही, मैं फायजा नहीं हूं। और रोहिल उसने कुछ नहीं कहा? वो तो परेशान हो गया होगा। Ha!
कौन है? कौन है वहां? डॉक्टर साहब, आरजू कैसी? शरिया साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, हम आप पेशेंट को नहीं बचा सके। क्या फेंके गए आप डॉक्टर साहब? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? हारजू, हारजू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये, ऐसा नहीं हो सकता। हारजू यही है, मेरे पास है, मेरे साथ है, हारजू कहीं नहीं जा सकती। शेरियार संभालो खुद को। आप रो क्यों रही हैं भाभी? अब रो क्यों रही है? कुछ कुछ नहीं हुआ आरजू को, आरजू बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ मेरी आरजू को। ये झूठ बोल रहे हैं आप, इनकी बात पे यकीन क्यों कर रही हैं? आरजू को कुछ नहीं हुआ, कुछ कुछ नहीं हुआ आरजू को। मेरी आरजू को कोई मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, वो मेरे पास है, उसे कोई छीन नहीं सकता मुझसे। क्यों रो रहे हैं आप? ये देखे, मेरी धड़कनें चल रही है ना, इसका मतलब है कि आरजू जिंदा, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। शेरियार आरजू मर चुकी है, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। नहीं, नहीं, वो नहीं मर सकती। वादा किया था उसने मुझे सारी जिंदगी मेरा साथ देगी, वो मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती, नहीं भाभी, नहीं। आरजू ये कैसे हो सकता है? आखिर वो लड़की कैसे मर सकती है? मैं तो पहले ही कह रही थी कोई ना कोई सीरियस मसला है, लेकिन मैंने तो किसी ने सुनी ही नहीं। जो होना था हो गया, अब किस बात का सोग मना रहे हैं आप लोग? किस बात का सोग? कैसी बातें कर रही हैं आप खाला? आरजू मर चुकी है। तो क्या हुआ? मेरी बेटी को भी तो उसने मारा था, उसके किए का बदला उसको मिल गया? क्या कह रही हैं आप? आपके कहने पे मैं हॉस्पिटल नहीं गया। सना ने मुझे कितनी बार कहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शहरिया का सामना कैसे करूंगा। सच कहते हो रोहेल, मुझे तो खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं शहरयार का सामना कैसे करूंगी? अरे आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे हमने उसका गला दबा के मारा है। वैसे उसका गला दबा के कौन मारेगा? एक कहने की बात हो सकती है, या तो उसने खुदकुशी कर ली होगी या फिर क्या हो गया। अम्मा आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? किसी ने गला दबाया है उसका। कोई इंसान भला अपना गला दबा के खुद को कैसे मार सकता है? अच्छा बाबा, जो भी हुआ आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, शहरयार की जल्दी जान छूट गई। अरे वरना उसकी जगह हम में से आज कोई मर गया होता। क्यों, ठीक कहा ना रुहेल? ठीक कह रही हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि उसको मारा किसने।
भाई कौन मारेगा? हो सकता है उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। कैसी दुश्मनी? अरे आप नहीं जानती आपा, ऐसी गांव की लड़कियों को बहुत दोस्तियां होती हैं उनकी। किसी यार ने मार दिया होगा। बस कर दे अम्मा, आरजू मर चुकी है और किसी मरे हुए पे बहुतान नहीं लगाते। अच्छा, तुम तो जैसे बड़ा पुराना जानती हो उसको। आपसे बात करना ही फजूल है। मेरी ये बेटी भी कितनी भोली है, जरा जरा सी बातों पर इमोशनल हो जाती है। एक जवान बहू मर गई, क्या हुआ था बेचारी को? वो बस सीढ़ियों से गिर के मर गए। बहुत अफसोस हुआ, इतनी जवान थी। अल्लाह जन्नत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। आप लोग बैठिए ना। तुमने झूठ क्यों बोला? आप खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मेरी बात कान खोल के सुन लें, कोई किसी को नहीं बताएगा कि आरजू की मौत कैसे हुई है। लेकिन अगर शहरयार को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा। अरे आपने उसकी हालत नहीं देखी, उसे किसी बात का भी होश नहीं। हाँ, लेकिन किसी मौत पर झूठ कैसे बोला जाता है? तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे पुलिस आ जाए और फिर नया तमाशा लग जाए? ठीक है, जैसे तुम लोग कहो। लेकिन आरजू के घर वालों को किसी ने बताया? नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। उसके घर वालों को बताने की जरूरत क्या है? और अगर उन्होंने बाद में बवेला किया तो? हमें बात की बाद में देखी जाएगी। रोहिल ठीक कह रहा है आपा, अगर उसके घर वालों को इतला दी और वो लोग यहाँ आ गए और उन्होंने हमसे सवाल कर लिया कि उनकी बेटी कैसे मरेगी, तो क्या जवाब देंगे? इसको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, परेशान है बेचारा अपने भाई के लिए। चलिए आए बैठते हैं। सब आपका पूछ रहे हैं, चलें। क्यों? शहरयार, आरजू की मैयत आपका इंतजार कर रही है, आप उसे कांधा नहीं देंगे? मैंने कितनी बार कहा है कि वो जो बाहर है वो मेरी आरजू नहीं है, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? ऐसा तो नहीं कहे, आरजू की रूह को तकलीफ होगी। तुम तकलीफ की बात कर रही हो जिसने उसे इतने दुख दिए? मैं समझा कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के करती थी सिर्फ मुझे उससे दूर करने के। हो गई दूर, बहुत दूर। जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, हो गई उससे दूर। प्लीज मुझे माफ कर दे। माफी मांगनी है तो जाके मेरी आरजू से मांगो, जो रोते रोते इस घर से चली। एक दिन ने एक पल खुशी का नहीं मिला उसे इस घर में। कसूर क्या था उसका? सिर्फ ये कि मुझसे मोहब्बत की। सजा तो मिलनी थी ना, मिल गई। बस कर दे शहरयार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब ये आंसू क्यों? हाँ, क्यों है ये आंसू तुम्हारी आंखों में? खुशी के आंसू होंगे। नहीं शहरयार, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे जो कुछ भी किया सब गलत किया, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं आरजू के साथ हर किसी ऐसा नहीं चाहती थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। एक बार मुझे माफ कर दे, बस एक बार। माफी गलतियों की मिलती है, ज्यादतियों की नहीं। माफी गलतियों की मिलती है, ज्यादतियों की नहीं। शहरयार,
रुहेला है। क्यों आए यहाँ? इनसे कहें कि चले जाएं यहाँ से। शहरयार, रुहेला तुमसे बात करना चाहते। क्या बात करना चाहते हैं या मुझसे? जो दिन रात इनके ताने सुनती थी वो तो चली गई है ना, अब क्या बात करनी है इन्होंने मुझसे? ऐसे नहीं कहते, भाई हैं तुम्हारे। भाई ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं भाई। भाभी आप जानती हैं सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? जब मानूस लहजे बदल जाते, जानी पहचानी निगाहों का फिर जाना, नाइयत से अजनबियत का सफर तय करते देखना, जो मैंने अपने भाई के रवैये में देखा। भाई ऐसे होते हैं। शहरयार, जी बोलिए, खुश हो गए आप? यही ख्वाहिश थी ना आपकी कि आरजू इस घर से चली गई। चली गई हो इस घर से नहीं, इस दुनिया से चली गई है। चैन मिल गया आपको? सुकून मिल गया आपको? उसने कितनी कोशिश की आप सबको समझाने की, आप सबको मनाने की, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। चली गई। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे तुमसे माफी मांगू। अपने भाई को एक बार माफ कर दो, तुम्हें आरजू का। क्या भाई, कैसे माफ करूं मैं आपको? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ चिर गया मुझे। आप कह रहे हो आपको माफ कर दो, कैसे आरजू के मुझे नहीं रह सकता, मैं बहुत तकलीफ में, मुझे उसके मुझे नहीं सकता भाई। वो आरजू नहीं है, मुझे एक बार कहते हैं, वो आरजू नहीं है, वो पास में, वो आरजू नहीं है। मुझे एक बार कहते भाई, भाई आप मेरी हर बात बात है, मुझे 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 आरजू ला दे, आरजू ला दे भाई, वो आरजू नहीं है भाई, भाई खुदा के लिए मुझे दे, वो आरजू नहीं है। क्यों आई हो तुम? जाओ यहां से, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। शहरयार, इंसानियत वो चीज है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज है जो जिसमें गैरों का दुख भी अपना लगने लगता है। ना तो तुम मेरी दुश्मन और ना ही मैं कोई गैर, ये बातें बेमानी। हम दुश्मन नहीं तो दोस्त तो बन सकते हैं। दोस्ती? और तुमसे? तुमसे दोस्ती? दोस्त से दुश्मनी और दुश्मन से दोस्ती दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसे ही सही, मुझे अपनी राह का मुसाफिर बना लीजिए।
साथ साथ चलेंगे और एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या अचानक से इतनी हमदर्दी क्यों मेरे लिए? शहर मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं, मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इंसान नफरत पूरे दिल से करता है। मैं ना तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ना ही नफरत। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। वक्त तो आप बर्बाद कर रहे हैं शहरयार। आप आरसू से मोहब्बत करते थे तो आपने उसका हक अदा क्यों नहीं किया? कहना क्या चाहती हो? यही कि आपको तो उससे मोहब्बत थी ना, फिर आपने उसके कातिल को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? अगर आपकी जगह मैं होती तो क्या मैं अपनी मोहब्बत के कातिल को ऐसे ही जाने देती? हरगिज़ नहीं, उससे बदला लेती ताकि वक्ते महशर में खुद से और अपने महबूब के सामने शर्मिंदा ना हूं। हादिया, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? अभी कल तक तो मेरे साथ घूमने फिरने के लिए तैयार थी, अब ऐसा क्या हो गया? पहले की बात कुछ और थी। क्या मतलब? वो मैं आपको नहीं समझा सकती, आप प्लीज यहां से जाएं। क्यों? तुमने तो मुझे कहा था कि सना को आपकी कोई फिक्र नहीं है, वो आपके जरा भी ख्याल नहीं रखती। आपको कोई हमसफर चाहिए, कोई जो आपका साथ दे, जो आपके साथ रहे। हाँ, मैंने आपसे ऐसा कहा था, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो हमसफर आप मुझे ही समझ लें। तो मुझे पसंद नहीं करते? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बात पसंद नापसंद की नहीं है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। हादिया, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम शादी नहीं करना चाहती या मुझसे शादी नहीं करना चाहती? रुहेल, आप समझ नहीं रहे हैं। हादिया प्लीज, मुझे अपना लो, हम इसे ये तन्हाई नहीं सही जाती, मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना हमसफर बना लो। वाह, क्या बात है सना, तुम बुरा लगा मेरा आना? मैंने तुम दोनों के खूबसूरत पल को बर्बाद जो कर दिया, I'm sorry। नहीं सना, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? मैं तो हूँ ही गलत, जो आज तक यही ना समझ पाई। सना, सना मेरी बात सुनो। वो क्या क्या बोलेंगे, क्या रह गया सुनने को? अब बोलेंगे क्या? आप है क्या आपके पास? क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? कहाँ कमी रह गई थी? तुम हम पर शक कर रही हो, तुम ही बीवी हो रुहेल की। बीवी? मियां बीवी का रिश्ता तीन बातों से मजबूत होता है। आज के बाद मेरे और आपके रास्ते अलग। बस इतनी दुआ देकर जाऊंगी खुश। शहरयार, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम कैसे जा सकती हो मेरे साथ? लेकिन क्यों, मुझे भी सना के पास जाना है, बल्कि मेरा सना से मिलना ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मैं उसे दूर कर सकूं। हमें तुम्हारे किसी भी एहसान की कोई जरूरत नहीं है हादिया, मैं अपनी भाभी को खुद मना सकता हूँ। मैं बस इतना कहूंगा कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। शहरयार, जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। और प्लीज शहरयार, मेरा यकीन माने, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर नहीं? मैंने और भाभी ने खुद तुम्हें और भाई को देखा था कल रात छत पर। कभी कभी आंखों देखा भी हकीकत नहीं होता है। अच्छा, तो फिर तुम बताओ क्या है हकीकत, बताओ। मैंने रुहेल से कोई वादा नहीं किया शादी का, पता नहीं क्यों वो इस गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। मैं उनसे शादी नहीं करूंगी और मैं ये उन्हें बता चुकी हूँ, और यही बात मैं सना को बताना चाहती हूँ ताकि मेरी वजह से उनका घर खराब ना हो। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी।
मैं इस गिल्ट में नहीं रह सकती कि मेरी वजह से किसी का घर खराब हो जाए। और तुम्हारी अम्मी, क्या वो जानती हैं कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? उन्हें मैं देख लूंगी, ये मेरा मसला है, आप जाएं। अच्छा चलो मेरे साथ, मुझे देर हो रही है। शेरियार, तुम कब आए? अभी अभी आपको वापस ले जाने आया। शेरियार, तुम सब जानते हुए भी मुझे ये कह रहे हो? मेरा अब उस घर या उस घर में रहने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ ताल्लुक इंसान चाहकर भी तोड़ नहीं सकता। लाख कोशिश कर लें लेकिन मोहब्बत से जुड़े ताल्लुक छोड़े भी नहीं छूटते। मोहब्बत शरियार, जिंदगी ने एक ही बात सिखाई, हम जिनको जितना खास करते गए हम उनके लिए उतने ही आम होते गए। भाभी प्लीज भाई को माफ कर दे। कैसे कर दूं शरियार, बोलो। मैं जानता हूं लेकिन जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, उन्हें भूल जाएं जिन्हें आप कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें माफ कर दें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। और मैं जानता हूं कि आप भाई को कभी भूल नहीं सकते। ये यहां क्या करी? मेरा घर पर बात करके तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? जो यहां चली आई, शहरयार से कोई यहां से चली जाए। अभी आप एक बार इसकी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुना शहरयार, बस इसे कोई यहां से जाए। सना मेरी बात सुनो। हाँ मैं गुस्से में थी और फायजा की मौत का बदला लेना चाहती थी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं सना, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहती थी। अच्छा तो वो सब क्या था, वो रुहिल का तुम्हें प्रपोज करना? देखो सना, मैंने रुहिल से कभी कोई शादी का वादा नहीं किया। पता नहीं क्यों वो गलत फहमी का शिकार हो गए और तुम भी उसी गलत फहमी का शिकार हो रही हो। गलत फहमी? देखो सना, गलत फहमी अगर दिल में ज्यादा देर रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है, और बदगुमानी फासलों को, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और रोहिल के दरमियान फासले हों। तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, बस मैं तुम्हें यहां देखना ही नहीं चाहती। शेरियार से भेजो यहां से। भाभी ये मेरे साथ है, मैं इसे वापस भेज दूंगा। मैंने खुद उसे अभी यहां फेंका था, यहां। हाँ 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 ठीक है, मुझे यकीन है आप पर। यकीन है या तर्स खा रही है मुझ पर कि बीवी की मौत के गम में पागल हो गए? हमदर्दी हो रही है ना मुझसे? ना हमदर्दी है ना ही आप पागल हैं। मेरी बात हुई रहमत चाचा से। ये रहमत चाचा कौन है? इस घर के पुराने मुलाजिम हैं। हाँ जानता हूँ, क्या कह रही हूँ? आप खुद ही पूछ लें। I'm sorry हादिया, I'm really sorry, मैं कुछ ज्यादा बोल गया तुम्हें, I'm really sorry। अच्छा, आपको अपनी गलती भी महसूस होती है? मैंने कहा ना I'm sorry। क्या क्या कह रहे थे रहमत चाचा? वो कह रहे थे कि इस घर में कुछ है जो कभी कभी नजर आता है। क्या वो जानते हैं इसके बारे में? मुझे लगता है, लेकिन लेकिन क्या? यही कि वो कुछ छुपा रहे हैं, जैसे किसी से डर रहे हो। डर? किससे डर?
शायद सना से। लेकिन भाभी से क्यों? शहर, आपने देखा नहीं, सना भाभी जब से यहाँ आई है उनका रवैया बदल गया है। कुछ तो है जो राज है। हाँ, महसूस तो मैंने भी किया, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि हमें सना भाभी को किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। भाभी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। अगर रोहिल भाई यहाँ होते तो बात कुछ और थी। हाँ शेरियार, लेकिन सना भाभी के लिए बहुत जरूरी है, कहीं ये ना हो कि उनकी हालत ज्यादा बिगड़ जाए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर आप कहें तो मैं अपनी दोस्त से बात करूं, वो साइकाइट्रिस्ट है, उसे सना भाभी के बारे में बताती हूँ, शायद वो कोई मेडिसिन बता दे। हाँ ठीक है, तुम उससे बात करो, देखो वो क्या कहती है। हाँ ओके। हादिया थैंक यू। डॉक्टर साहब, सना ठीक तो है ना? देखिए रोहिल साहब, बाजार तो इन्हें ऐसा कुछ नहीं है, शायद टेंशन की वजह से बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर साहब, भाभी की हालत ठीक नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये करेगा मेरा इलाज? मौत की जाले फोर्स बनाता है। ये बताएगा मुझे बीमारी क्या है? डॉक्टर, सना क्या हुआ तुम्हें? सना, सना मुझे नहीं लगता सना का इलाज कोई डॉक्टर कर सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं नहीं जानती, लेकिन सना के साथ जो हो रहा है वो गैर मामूली है। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। जानता हूं मैं कि तुम्हें कितनी फिक्र है सना की। हाथिया हमारी भलाई के लिए कह रही है भाई। नहीं चाहिए मुझे भलाई। भाई मैं जानता हूँ कि आपके लिए सब बहुत शॉकिंग है, हम सबके लिए बहुत शॉकिंग है। अभी आप गुस्से में, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, वरना देर ना हो जाए। आप आराम से सोचिएगा।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बात कहीं हाथ से निकलना चाहिए। पहले आरजू और अब भाभी, मैं उन्हें खो नहीं सकता। तो हमें उसे बुलाना होगा। किसे? उस रूह को। लेकिन हम उसे कैसे बुला सकते हैं? बहुत से बुक्स हैं जिनमें रूहों को बुलाने का तरीका है। Are you kidding? तुम जानती भी हो तुम कह क्या रही हो? मुझे पता है शहरयार, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा है? आपने सना की हालत नहीं देखी? वो उस पर और उसके जिस्म पर कब्जा करती जा रही है, और ये बात बहुत खतरनाक है। मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूं तो क्या रोहिल भाई मानेंगे? उन्हें मानना होगा, आखिर ये सना की जिंदगी का सवाल है, आपको उन्हें मनाना होगा। अगर मैंने उन्हें मना लिया तो क्या? हमारे बुलाने से वो रू आ गई और वापस ना गई, फिर ये सब करके हम किसी नए मसले में ना फंस जाएं। तो क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? और कर भी क्या सकते हैं हम? एक तरीका है। क्या? अगर हम किसी ऐसे शख्स को बुलाएं जो इस इल्म में माहिर हो, तो वो हमें इस रूह से निजात दिला सकता है। ठीक कह रही हो तुम। मुझे रोहिल भाई से बात करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप उनको ये मत बताइएगा कि ये मशवरा मैंने दिया है। क्यों? आप जानते हैं वो और सना मुझे पसंद नहीं करते। तो फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। शहरयार, आपको यकीन है कि प्रोफेसर साहब हमारी मदद कर सकेंगे? वालेकुम सलाम। अरे भाई, ऐसा क्या हो रहा है जो हम पर शक किया जा रहा है? नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। सर, वो एक्चुअली मेरी भाभी। क्या हुआ उन्हें? ठीक तो हैं? नहीं सर, हमें लगा था कि वो ठीक हो गई हैं, लेकिन 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 क्या? सर, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए। देखो शहरयार, ये केस रूहानी है। मैंने पहले ही कहा था सर, साइकाइट्रिस्ट हैं आमिल नहीं। ये काम कोई आमिल या पीरी कर सकता है। और ये किसने कहा है कि एक साइकाइट्रिस्ट आमिल नहीं हो सकता और आमिल साइकाइट्रिस्ट नहीं हो सकता? इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा हीलिंग इंस्टीट्यूट है और मैं वहाँ रूहानी अमल भी करता हूँ। सर, तो फिर आप चलेंगे हमारे साथ? हाँ जरूर, लेकिन लेकिन पहले वहां पर जाकर देखेंगे कि वाकई तुम्हारी भाभी पर कोई साया है या उसका ज़हनी मर्ज पेचीदा हो चुका है। सर, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है सर, मैं आपका इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज़।
तो करेगा सना का इलाज। जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो सना का इलाज करेगा। तू कुछ भी कर ले तू इसे नहीं बचा सकेगा। सना कैसी है? बेहोश हो गई है। क्या क्या किया तुमने? शरियार अपने भाई को समझाओ, वो इसकी बीवी पर हावी है। सर किसकी बात कर रहे हैं? कौन? वो रूह जो इस घर में मौजूद है। वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना? पहुंचा सकती है, कुछ भी कर सकती है, बहुत ताकतवर है वो। अब हम क्या करें? वो सना को फिर से काबू में तो नहीं कर लेंगे? अगर हमने देर की तो जो भी करना है जल्दी करें। आज रात, मुझे आज रात का वक्त चाहिए। मैं कुछ अमल करूंगा और कल। कल क्या सर? कल मैं उस रूह को सना के जिस्म से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। सर हमें ये भी जानना है कि आखिर वो चाहती क्या है। शहरयार तुम्हें सना से ज्यादा भी कुछ अहम हो सकता है। हाँ, मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत अहम है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन है और चाहती क्या है। फिक्र ना करो, ये भी पता चल जाएगा। अच्छा मैं चलता हूं। शहरयार तुम्हें ना छोड़ा। नहीं रोहिल साहब, आपको लगता है कि बेचारा देख नहीं पाता, लेकिन शायद मैं आपसे ज्यादा ही देखता हूं। यार आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। कैसे? इतना सब कुछ होने के बाद तुम ये कैसे कह सकती हो? शहरयार अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो रोहेल का साथ कौन देगा? वो कितना परेशान हो रहे होंगे। जानता हूं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाई भी हमसे कुछ छुपा रहे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि वो भी हमारी तरह सब बातों से अनजान हो। आखिर वो है कौन और हमसे क्या चाहती है? प्रोफेसर साहब ने कहा तो है कि वो अमल करेंगे तो सब पता लग जाएगा। अल्लाह करे आदिया, अल्लाह करे। मुझ में अब किसी को भी खोने की हिम्मत नहीं है। आप फिक्र नहीं करें शहरयार, आपके अपनों को कुछ नहीं होगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी, लेकिन आपको और आपके अपनों को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे अपनों में तुम भी शामिल हो आदिया। जिंदगी ने इतनी कदर तो सिखा दी है मुझे कि ना ही जिंदगी वापस मिलती है और ना ही जिंदगी में आए हुए लोग। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे शहरयार अच्छे लगने लगे? नहीं, कब तक खुद से झूठ बोलोगी आदिया?
वो तुम्हारे दिल में बसेरा कर चुका है। तुम जितना भी झुठलाओ यही हकीकत है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते। तो क्या हुआ, मेरे लिए उनकी एक तरफा मोहब्बत ही काफी है। संभालो खुद को। मेरा यकीन करें, वो सनाई थी, लेकिन उसकी आंखें। मुझे तुम पर यकीन है आदिया, मुझे तुम पर यकीन है। हो सकता है वो सना भाभी हो। वो सना थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद थी। आदिया ये कैसे हो सकता है, ये क्या कह रही हो तुम? वो मुझे मारना चाहती थी। चल यार, मैं कोई नहीं मार सकता तुम्हें, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम यहीं रुको मेरे पास, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो फिर से आ गई तो? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, क्या आप सना को इस रूह से आजाद करवा देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं भाई, सर ने पहले भी हमारी कितनी मदद की है। कोई बात नहीं शहरयार, इनका परेशान होना फितरी अमल है। तो किस बात के इंतजार कर रहे हैं? मैं सना की हालत में नहीं देख सकता। अपना अमल शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। जी सर, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो इस कमरे के तमाम शीशे और खिड़कियों को अच्छी तरह से ढांप लें, क्योंकि ये रूहें फौरन शीशे में पनाह लेती हैं। और हाँ, ये रूह आपको बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी इस छलावे पर यकीन नहीं करेगा जब तक मेरा अमल मुकम्मल ना हो जाए। कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये रूह हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, खास तौर पर सना को। जी सर। सर कर दिए दोनों खिड़कियां को कवर कर दिए, लेकिन एक शीशा अभी भी बाकी है। वो
पानी। कौन है तू? क्या चाहती है सना से? छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ू। तुझे छोड़ना होगा। छोड़ दे सना को, तुझे छोड़ना होगा। मुझे बचा लो। ये मुझे मार देगा। तेरा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। मैंने कहा छोड़ दे इसे। नहीं जाऊंगी। सना को अपने किए का बदला चुकाना होगा। बहुत कोशिश की ना मेरी जगा लेने की। अब तुम अपने किए का बदला चुकाओगी। चली जा। चली जाऊंगी लेकिन। लेकिन? लेकिन क्या? क्या कहना चाहती है तू शेरियार से? ये जानना चाहता है ना सच्चाई? हाँ, मैं जानना चाहता हूं सच्चाई। तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानती। मैं किसी हिना को नहीं जानता। मैं किसी हिना को नहीं जानता। मगर मैं तुम्हें जानती हूं। बस तुम्हें। चाहती क्या हो? कौन हो तुम? मैं ना हूं सना की जुड़वा बहन। ये तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बदला, इसके किए का बदला तो मिलेगा ना इसे। मेरी सना को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी सना को। बहुत बुरा लग रहा ना? छोड़ दे इसे। चली जा यहां से। जब तक ये सच नहीं बोलेगी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुझे जाना होगा। सना को छोड़ दे। तू मुझे काबू नहीं कर सकता। मैं ये जिस्म तो छोड़ दूंगी लेकिन यहां से नहीं जाऊंगी। चली जा, जा चली जा। देखा तुम लोगों ने।
सर क्या वो वाकई चली गई है? नहीं, वो फिलहाल तो सना के जिस्म से चली गई, लेकिन यही है सर, तो वो हमें कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना? वो कुछ भी कर सकती है, मगर 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 क्या सर, प्लीज बताएं हमें क्या। शरियार, मैं तुम लोगों को कुछ तावीज दूंगा जो तुम सबको पहनने पड़ेंगे ताकि वो तुम लोगों के जिस्म पर काबिज ना हो सके। लेकिन ये तो कोई हल नहीं है ना, आपको उसकी रूह को जिस्म से निकालना चाहिए था। हम कब तक इस डर के साथ जिंदा रहेंगे? डर तो लगा रहेगा जब तक इस रूह का मकसद पूरा नहीं हो जाता। और बाकी रही रूह को खत्म करने की बात, तो रूह तो हमेशा रहती है, लेकिन मरने के बाद इस दुनिया पर उसका हक नहीं रहता। वो यहां है तो जरूर उसका कोई मकसद भी होगा। लेकिन वो चाहती क्या है? क्या सच है? कैसे जानूंगा मैं ये सब? वक्त आने पर सारी हकीकत सामने आ जाएगी। बस तुम लोग सना का ख्याल रखना, मैं चलता हूं। रुको शहरयार। क्यों, अब कौन सा झूठ बोलना बाकी रह गया? शहरयार क्या जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पे? कैसे करूं मैं भरोसा आप पर? आप ही बताएं मुझे कैसे करूं। शहरयार, सना तुम्हें कुछ बताना चाहती है, बात सुन लो। हिना मेरी जुड़वा बहन, बचपन से ही हम दोनों में बहुत प्यार था। मामा बाबा से ज्यादा हम दोनों में अटैचमेंट थी। वक्त गुजरता गया, हम दोनों बड़े हो गए, फिर क्या? फिर हम दोनों की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त आया। हिना को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा अगर मैं उसे अपना बोन मैरो दे दूं तो वो बच सकती है। बाबा ने मुझे मना किया, वो हम दोनों की जिंदगी मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। और मैं अपनी बहन को नहीं बचा सकी। इसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं, जिसका बदला वो सबसे ले रही है।
शहरयार मुझे माफ कर, मैं बहुत पहले ये सब आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा था, किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं था। मुझे लगा मैं खुद इस मसले का हल निकालूं, लेकिन मैं गलत थी। शहरयार मुझे माफ कर। नहीं सनम, क्या यही सच्चाई थी जिसकी वजह से उस हिना ने पहले फायजा को, फिर शायदा को और फिर मेरी आरजू को मार दी? आप ठीक कह रहे हैं शहरयार, अगर उसकी दुश्मनी सना से थी तो फिर उसने आपकी जिंदगी में आने वाली हर लड़की को कतर क्यों कर दिया? तुम्हारा मतलब है कि आप ठीक समझे, कुछ है जो सना अभी छुपा रही है। भाभी आखिर ऐसा कर क्यों रही है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो है जो आपसे रिलेटेड है। अगर हिना को सना पर गुस्सा होता तो वो उससे बदला ले सकती थी, लेकिन वो तो आपके पीछे पड़ी हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच्चाई जानने का एक रास्ता है। क्या? हमें सना पर नजर रखनी पड़ेगी, वो कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेगी जिससे सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। हमें इंतजार करना होगा शहरयार। जिंदगी ने भी क्या अजीब मजाक किया, जिन पर हमने सबसे ज्यादा एतबार किया उन्होंने ही हमें धोखा दिया। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि सब कुछ जानने के बावजूद मैं उनका साथ देना चाहता हूँ। आपको ऐसा कौन सा राज है जो सना हमसे छुपा रही है? अभी आप प्लीज अंदर चलो, कुछ खा लो। आप क्या सोच रहे हैं? देख रहा हूं कि चांद भी सितारों में मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि चांद कभी अकेला नहीं होता। अच्छा, तो कौन होता है चांद के साथ? उसकी चांदनी, जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन जब चांद को ग्रहण लग जाता है तब? शहरयार, आप ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? तो और क्या करूं मैं, सब कुछ तुम्हारे सामने है। वो हिना मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी क्लास फेलो थी और मैं उसे जानता तक नहीं। सना ने ये बात क्यों छुपाई आखिर? इसके पीछे उसका क्या मकसद था? ये बात कोई मायूब तो नहीं है, फिर क्यों? यही सोच सोच के तुम्हें परेशान हो रहा हूं। कितना यकीन किया था मैंने भाभी पर, लेकिन सही कहते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाए वही धोखा देता है। हिना की रूह आपसे चाहती क्या है? सना तुम सो रही हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो चुकी हो। कहाँ हो सना? मैं अपने घर में हूं। क्या कर रही हो? मैं और हिना हम दोनों बाबा से बातें करें।
तुम परेशान क्यों? वो ही ना मुझसे नाराज है। क्यों नाराज है वो तुमसे? वो ना मुझसे बात करी है ना बाबा से, वो बस रो रही है। सना तुम अब कहाँ हो? देखिए इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे वापस बुलाएं। मैं कह रहा हूं इसे वापस बुलाएं प्रोफेसर, प्लीज। सना सना तुम जाग रही हो? सना तुम जाग रही हो? सना सर ये क्या हो रहा है भाभी को? सर ये भाभी को क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते? शहरयार मैंने कहा था ना कि ये ढोंगी है प्रोफेसर, अगर मेरी सना को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज आप लोग चुप कर जाएं। आपको नजर नहीं आ रहा सना की हालत क्या हो रही है? सना जाग जाओ, सना मेरी आवाज सुन रहे हो? सना सना ये सना तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी, ये झूठ बोलेगी, बस झूठ। ये सना ये मेरी सना को क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें सना? ये अब ठीक है गुरु, सना के जिस्म में नहीं है, अब ये खतरे से बाहर है। शुक्रिया प्रोफेसर, शुक्रिया। तो ये था वारास। सना ये क्या है? भाई आप अभी भी नहीं समझे, पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है, पहले शाह साहब फिर रहमत चाचा और अब प्रोफेसर साहब को भी मारना चाहती थी। आखिर वो कौन सा राज है जिसके लिए आपने इतने लोगों की जान ली? सना ये क्या है? सना
मेरी सना किसी की जान नहीं ले सकती, बताओ इन्हें कि ये सब कुछ झूठ है। बोलो ये क्या बताएंगी, आंखों देखा आप झुटला सकते हैं, मैं नहीं। हो रही है ना मुझसे नफरत? हाँ हूं मैं नफरत के काबिल, लेकिन नोएल ये सब मैंने नहीं किया, ये उसने मुझसे करवाया था। किसने, किसने सना? इन्होंने रोहेल, वो मुझ पर हावी हो गई थी। झूठ, एक और झूठ। नहीं रोहेल, शहरयार मैं झूठ नहीं बोल रही, रहमा चाचा और शाह साहब भी तो मेरे अपने थे ना, मैं उनको क्यों मारूंगी, मेरी बात को समझो प्लीज। वो ये सब कर रही है। अगर ये वो कर रही है तो क्यों कर रही है? वो तो खुद ये चाहती है कि आप सच बोलें, सच्चाई बताएं सबको। मैं सच बता चुकी हूँ। बस कर दे भाभी, बस कर दे, खुदा के लिए और कितना झूठ बोलेंगी आप? अगर उसकी मौत की वजह वाकई कैंसर है तो फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? इसका कोई जवाब है आपके पास? नहीं, इसलिए क्योंकि आपने जो कहानी सुनाई वो या तो झूठी थी या अधूरी। देखो सना, सच बताओ, क्योंकि मैं भी सच जानना चाहता हूं। मुझे बताओ कि उसका शहरयार के साथ क्या ताल्लुक था, बताओ। वो शहरयार से प्यार करती थी, बहुत प्यार। लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं था। वो कॉलेज के टाइम से ही शहरयार से प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। फिर आप मेरी जिंदगी में आए। हमारी फैमिली में दो बेटियों की शादी एक खानदान में नहीं करता। बाबा ने उसकी शादी से इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होती गई। एक दिन उसने मेरी आंखों के सामने से बाड़ी से छलांग लगा दी और मैं अपनी बहन को नहीं बचा सकी। आज तक उसकी लाश नहीं मिली और मेरे बाबा भी इस दर्द को सह नहीं पाए। हम कैसे यकीन करें कि ये सब सच है? शहरयार, मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई है। मैं नहीं चाहती थी ना की वजह से मेरा घर खराब हो, और बाबा ने भी इसकी खुदकुशी की खबर इसलिए छुपाई कि मेरा रिश्ता ना टूट जाए। और ये सब कत्ल, इनका कोई जवाब है आपके पास? मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी शहरयार, मैं नहीं चाहती थी तुम सच्चाई जानो। लेकिन क्यों भाभी, आखिर क्यों किया आपने ये सब? आपने खून किए, आपके हाथ नहीं कांपे किसी की जान लेते हुए? क्यों इतना झूठ बोला आपने हम सबसे, और सच्चाई क्यों छुपाई? अगर आप वक्त पर हमें सब कुछ सच सच बता देते तो शायद आज मेरी आरजू मेरे साथ होती, मेरे पास होती। शहरयार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। रोहेल आप भी नहीं बोलेंगे शहरयार को? किसी के हाथों मारूंगी तुझे।
भाई भाभी को छोड़ दे, भाई भाई प्लीज भाभी को छोड़ दे सर। तुम हमें भी से भाभी कर रहे हो, खातिर रहिए बहुत से मासूमों की, खातिर रहिए। अभी भी झूठ बोल रही है ये, मैंने खुदकुशी नहीं की थी, इसने मुझे धक्का देके मारा था। शादी के लिए मान गए थे, लेकिन इसे मुझे खुशी देखी नहीं गई, इसने मुझे रास्ते से हटा दिया, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। आज से मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और ना ही आज के बाद मैं कभी आपकी शक्ल देखना चाहता हूं। मर गई आप मेरे लिए और मर गया मैं आपके लिए। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा शहरयार। आप तो मुझे माफ कर दे, वो झूठ बोल रही है। क्या क्या माफ करूं तुम्हें मैं सना, क्या क्या माफ करूं मैं तुम्हें सना, इतना जरूर नहीं है मुझमें। तुम बस बात करोगे मेरा घर, तुम्हें सीना के साथ ही खत्म कर देना चाहिए था। जल्दी जाओ और अपनी भाभी की जान बचाओ, ना उसे मार डालेगी, उसकी जान को खतरा है, जाओ। बहुत डर लग रहा है ना, इसी खाई से नीचे गिराकर तुमने मुझे मारा था। हिना प्लीज, मैं तुमसे सना के किए की माफी मैं तुमसे मांगता हूं। मैं इसे माफ नहीं करूंगी। शहरयार, हिना सिर्फ तुम्हारा कहना मानेगी, तुम कहो प्लीज इसे। रुहेल ठीक कह रहे हैं, अब वो आपकी बात को नहीं टालेगी, आखिर सना की जिंदगी का सवाल है,
हिना, हिना छोड़ दो भाभी को। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे चाहती थी, लेकिन तुम्हें उसी चाहत का वास्ता है कि वापस चली जाओ। जब तक मैं बदला नहीं ले लेती, मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है हिना। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती थी तो उसी मोहब्बत का मान रख लो। छोड़ दो भाभी को, प्लीज छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी इसे, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। कैसी है तुम्हारी मोहब्बत कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। अगर सना भाभी तुम्हारी गुनहगार है तो तुम मेरी गुनहगार हो। अगर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ ये सब किया, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। इसे मोहब्बत नहीं कहते ही ना, इसे मोहब्बत नहीं कहते। मुझे माफ कर देना शहरिया, मैंने अपनी चाहत के लिए तुम्हारी चाहत छीन ली। लेकिन ये शायद बदले की आग थी। जिसमें तुम्हारी दुनिया जलकर आग हो गई। तुमने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा अगर तुम मेरी भाभी को छोड़ दोगे। ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं इसे छोड़ देती। लेकिन ये कभी खुश नहीं रह पाएगी। अब तो मुझे माफ कर देना। एक खिड़की थी जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाई। Hey, 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 hey.
दिया तुम? मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे शहरयार। ये सफर अब मुझे तन्हा ही तय करना है। मुझे भी अपनी राह का मुसाफिर बना लीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम आपकी राह के पत्थर ही हटा दूंगी। मैं जानती हूँ शहरयार, आपने बहुत दुख सहे हैं। कभी कभी रिश्ते निभाते रास्ते खो जाते और कभी रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते। किसी को रिश्ते रास आ जाते हैं तो किसी को रास्ते। फर्क सिर्फ इतना है कि रास्ते में मिले दुख बर्दाश्त हो जाते हैं, रिश्तों में नहीं। और वैसे भी मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? एहसास। एहसास के रिश्ते दस्तक मोहताज नहीं होते शहरयार। ये तो खुशबू की तरह होते, छुपन दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं आ दिया, और वैसे भी सहारे ही तो बेसहारा करते हैं। जिंदगी भी तो एक सफर है, मंजिल नहीं। और कोई सफर लाहासिल नहीं होता। मैं जानती हूं आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आपका साथ देना चाहती हूं। चाहे मंजिल मिले ना मिले, मैं कोई गिला नहीं करूंगी। बस मुझे अपने साथ चलने दें। लेकिन इतना मुश्किल है ना उसको मनाना, जो रूठा भी ना हो और बात भी ना करे। तो आपको अब भी मुझ पर यकीन नहीं है ना? मेरा साथ तुम्हें कुछ नहीं देगा दिया। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे बस अपने साथ चलने दे। कभी शिकायत नहीं करूंगी। चलो तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। La 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 la